सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। कोई आखिरी ख्वाहिश? ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। किस बात के लिए मारूं? बोल। ऋतिक ने क्या शेयर किया? दीपिका ने क्यों लिखा ऐसा कमेंट? ऋतिक ने टीम के साथ कौन सा लंच किया? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ऋतिक रोशन अपनी शानदार लुक की वजह से फैंस के बीच ग्रीक गॉड के तौर पर मशहूर है। उदेश की पहली एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म फाइटर की शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुपरस्टार युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है। सोशल मीडिया पर युवाओं के साथ अपने जुड़ाव को देखते हुए ऋतिक ने अपने क्रू के साथ खाना खाते हुए वीडियो साझा किया है। ऋतिक रोशन को टीम के साथ बर्गर खाते हुए और शूटिंग से समय निकालकर जगह का आनंद उठाते हुए देखा जा सकता है। ऋतिक रोशन ने अपनी एक मजेदार पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुझे एक ऐसी टीम मिली जिसे खाने से उतना ही प्यार है जितना मुझे है। ऋतिक देश के सबसे फिट एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। ऋतिक ने वीडियो के जरिए बताया है कि वो खान पान के शौकीन है। वीडियो देखकर उनके सभी फैंस हैरानी जता रहे हैं, हालांकि वो एक्टर के इस मजेदार पक्ष का भी खूब आनंद उठा रहे हैं। ऋतिक ने ये वीडियो करीब 16 घंटे पहले साझा किया था, जिस पर 6.5 लाख के करीब लाइक्स आ गए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। ऋतिक ने अक्सर समोसे के लिए अपने प्यार को जाहिर किया है। वो शूटिंग के दौरान मेन्यू कार्ड को गंभीरता से लेते हैं। ऋतिक रोशन की फाइटर की को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी खाने की शौकीन है। वो खाने के प्रति अपने प्यार को जाहिर करती रहती हैं। दीपिका पादुकोण वीडियो पर कमेंट करने वालों में से सबसे पहले थी। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, मेरे लिए रुको, फैंस दोनों सितारों को बड़े पर्दे पर एक साथ देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइटर में दोनों की खास केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। ऋतिक ने क्यों करा सुजैन के साथ ऐसा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राथ स्टूडियोज में। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में जबरदस्त पहचान बनाई है। ऋतिक रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था और इसके बाद कई हिट फिल्मों में दिखाई दिए थे। उनकी एक्टिंग और स्टाइल तो हमेशा सुर्खियों में रहते ही है, लेकिन एक्टर की सादगी भी दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। उनके अंदाज ने तो एक बार उनके पिता राकेश रोशन तक को हैरान करके रख दिया था। ऋतिक रोशन से जुड़ा ये खुलासा खुद उनके पिता राकेश रोशन ने ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था। राकेश रोशन ने इंटरव्यू में ऋतिक और सुजैन के तलाक को याद करते हुए बताया था कि उस वक्त उनके बेटे ने सुजैन खान संग जो व्यवहार किया उससे वो खुद भी हैरान रह गए थे। बता दें, ऋतिक और सुजैन साल 2000 में शादी के बंधन में बंधे थे और साल 2013 में दोनों ने तलाक ले लिया था। राकेश रोशन ने इस सिलसिले में कहा, तलाक के बाद ऋतिक कोर्ट से बाहर आया और उसने सुजैन की खातिर खुद कार का दरवाजा खोला। ये बात उसके कैरेक्टर को दर्शाती है। कोई भी इन चीजों को आपको सिखा नहीं सकता है, ये अपने आप ही इंसान को सीखनी पड़ती है। वो महिलाओं और अन्य लोगों का बहुत सम्मान करता है। राकेश रोशन ने बेटे की खूबियों के बारे में बताते हुए आगे कहा, जैसे कि ऋतिक मेरे पैर छूता है और मेरे पोते रिदान और रेहान भी ऐसा ही करते हैं। राकेश रोशन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनका बेटा उनसे भी ज्यादा अच्छा पिता है। इस बारे में उन्होंने कहा, ऋतिक अपना पूरा खाली वक्त बच्चों के साथ बिताता है, वो दोस्तों की तरह है। वो अपने बच्चों के साथ बाहर जाना पसंद करता है। राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन और उनके बेटे की बॉन्डिंग के बारे में बात करते हुए आगे कहा, जो प्यार वो अपने बच्चों पर दिखाता है उसे देख मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैंने भी अपने बच्चों को इतना ही वक्त दिया होता, वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा पिता है। अब बात करते हैं फाइटर फिल्म की। आपको बता दें, ऋतिक ने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के लिए एक भावुक नोट साझा करते हुए लिखा, एक अभिनेता के रूप में ममता और सिद्धार्थ आनंद के पहले प्रोडक्शन मार्फ्लिक्स को फिल्म फाइटर के साथ परिचित करवाते हुए और फिल्म का हिस्सा बनने पर अत्यंत खुशी महसूस हो रही है। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि एक निर्देशक और दोस्त के तौर पर मेरा उनके साथ रिश्ता और गहरा हो गया है।
सिद्धार्थ का सफर, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर और फिर बैंग बैंग और वॉर में मुझे निर्देशित करने तक देखा है। और अब जब वो फाइटर के लिए निर्माता बन गए तो मेरी उत्सुकता की कोई सीमा नहीं है। ये दिल और दिमाग के लिए एक एड्रेनालिन की तरह है। धन्यवाद सिर्ट मुझ पर विश्वास करने और मुझे फिर से अपना सहयात्री बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फाइटर मूवी के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऋतिक ने अभी तक कितने अवार्ड जीते हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अभिनेता ऋतिक रोशन एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के किरदार निभाए हैं और अपने डांस मूव्स के लिए फेमस है। साथ ही भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें 6 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, 4 और सर्वश्रेष्ठ पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए एक एक पुरस्कार शामिल है। वो आए और लोकप्रियता के आधार पर फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 में कई बार अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें, ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को बॉम्बे में बॉलीवुड में हुआ था। उनके पिता अभिनेता और फिल्म निर्देशक राकेश रोशन हैं, जो संगीत निर्देशक रोशन लाल नागराथ के पुत्र हैं। उनकी माँ पिंकी निर्माता हैं, जो निर्देशक जे ओम प्रकाश की बेटी हैं। उनके चाचा राजेश रोशन एक संगीतकार है। ऋतिक की एक बड़ी बहन सुनैना है। ऋतिक रोशन कीन सिडैन हैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक मुंबई से बीकॉम की है। रोशन ने साल 2000 में सुजैन खान से शादी की और उनके 2 बेटे हैं। 2014 में ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक हो गया। इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपने नाना जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित 3 फिल्मों में अभिनय किया, वो थे आशा और भगवान दादा। ऋतिक रोशन ने बाद में 4 फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जिनमें खुदगर्ज और करण अर्जुन शामिल है। इन सभी का निर्देशन उनके पिता राकेश ने किया था। आपको बता दें, रोशन की पहली प्रमुख भूमिका कहो ना प्यार है 2000 में अमीषा पटेल के साथ आई, जो उनके पिता द्वारा निर्देशित थी, जिसके लिए उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। कभी खुशी कभी गम, आप मुझे अच्छे लगने लगे और मैं प्रेम की दीवानी हूँ शामिल हैं, साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया, लक्ष्य, क्रिश, धूम 2, जोधा अकबर, काइट्स, गुजारिश, क्रिश 2, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिश 3 और बैंग बैंग प्रमुख सुपरहिट फिल्में हैं। अब आपको ऋतिक अपनी अगली फिल्म फाइटर में दिखेंगे, जो 28 सितंबर 2023 में रिलीज होगी। आपको बता दें, इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ आपको दीपिका भी दिखाई देंगी। ये फिल्म भारत की पहली एरियल फिल्म होगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फाइटर के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज। फिल्म की रिलीज डेट, क्या है सबा और सुजैन का कनेक्शन? नमस्कार, मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का पटारा बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की मच अवेटेड फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म फाइटर की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये फिल्म अगले साल 23 सितंबर को रिलीज होगी। रिलीज डेट की अनाउंसमेंट खुद ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो संग शेयर की। वीडियो पर कमेंट करते हुए ऋतिक के पिता और मशहूर डायरेक्टर राकेश रोशन ने कमेंट करते हुए लिखा, टेरिफिक एंड बेस्ट विशेस एंड गुड लक टू यू ऑल। ऋतिक के अलावा दीपिका पादुकोण ने भी शेयर करते हुए फैंस को इसकी जानकारी दी। ऋतिक के अलावा दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर भी इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म फाइटर में ऋतिक एयरफोर्स पायलट की भूमिका में दिखाई देंगे और दीपिका उनकी लेडी लव का किरदार निभाएंगी। साथ ही दोनों हवा में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म ने काफी बस क्रिएट कर रखा है और जब से इस फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हुई है, तब से फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अब बॉलीवुड के मोस्ट डैशिंग और हैंडसम ऋतिक रोशन की बात करें तो उनका और सबा का प्यार आजकल सातवें आसमान पर है। दोनों एक दूसरे के कमेंट्स पर कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं और फैंस को उनकी तरफ ध्यान खींचते ही रहते हैं। और अब तो लग रहा है कि ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। हाल फिलहाल में सबा आजाद ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सबा बिल्कुल टॉमबॉय जैसी लग रही है। कैप्शन में सबा ने इसे अपना स्क्रीन टेस्ट बताया। पिक पर कमेंट करते हुए मिस्टर रोशन ने लिखा, वो हाई लाइक, जिस पर रिप्लाई करते हुए सबादाद ने लिखा, ही आई लुक लाइक अ क्यूट बॉय। इनके इन कमेंट्स से आपने इनकी क्लोजनेस का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, पर सुपरस्टार के साथ साथ उनकी एक्स वाइफ भी सबा से काफी क्लोज है, जिसका अंदाजा आप सबा की पिक पर सुजैन के कमेंट से लगा सकते हैं।
पिक पर कमेंट करते हुए सुजैन ने लिखा, सो रेड लव दिस। ऐसे कई कमेंट्स आपको आने वाले टाइम पर देखने को मिलते रहेंगे और इन सबसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। फिल्म फाइटर जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर आपको एंटरटेन करने के लिए रिलीज होगी। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप फिल्म फाइटर के लिए कितने एक्साइटेड हैं और कैसी लगी आपको सुजैन और सबा की ये। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ना तो इनमें मरने का काम। फिल्म को लिया मजाक में, विक्रम विदा है ऋतिक की प्रायोरिटी, फाइटर बनेंगे बाद में। हेलो दोस्तों, मैं श्री शाप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेंगे। फिल्म में ऋतिक पायलट के रोल में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, फिल्म में दीपिका भी धांसू एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि पहले ये फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज सामने आई जो 25 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है। शाहरुख खान की फिल्म के साथ क्लैश होने से बचने के लिए मेकर्स ने फाइटर की नई रिलीज डेट की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें, ऋतिक आखिरी बार 2019 में आई फिल्म वॉर में नजर आए थे, जहां एक तरफ ऋतिक के फैंस उन्हें फाइटर फिल्म में देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है, वहीं ऐसा लग रहा है कि ऋतिक को इस फिल्म को मजाक में ले रहे हैं। आपको बता दें, ऋतिक इस फिल्म को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं और उनका आजकल ध्यान उनकी आने वाली फिल्म विक्रम विदा पर ज्यादा है। साथ ही आपको बता दें कि फाइटर के अलावा ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम विधा में नजर आएंगे। 2017 की एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम विधा के रीमेक को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। इस फिल्म का इंतजार काफी वक्त से फैंस कर रहे हैं। फिल्म में सैफ अली खान पुलिस वाले का और ऋतिक गैंगस्टर का रोल प्ले करेंगे। वहीं तमिल फिल्म की बात करें तो इसमें आर माधवन ने पुलिस इंस्पेक्टर और गैंगस्टर के किरदार में विजय सेतुपति नजर आए थे। फिल्म का डायरेक्शन पुष्कर और गायत्री ने किया था। यही जोड़ी इस रीमेक को भी डायरेक्ट करनी है। ऋतिक की विक्रम वेदा फिल्म को प्रायोरिटी देने की दो वजह है, जिसमें से सबसे पहली वजह यह बात, सभी जानते हैं कि साउथ की फिल्मों को आजकल फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि विक्रम विदा फिल्म में हमें ऋतिक के साथ सैफ अली खान भी दिखाई देने वाले हैं, जिसका मतलब है कि इनका फैन बेस बहुत बड़ा है और ऑडियंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है। इन दोनों वजह से ही ऋतिक विक्रम विदा फिल्म को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि क्या उनका नजरिया बदलेगा या फिर वह कर सकते हैं एक साथ दो बड़ी फिल्मों को हैंडल। फैंस तो फाइटर फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड है और इस फिल्म से कई सारी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि फाइटर फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए अभी से लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ऑडियंस को ऋतिक की कौन सी क्वालिटी है सबसे ज्यादा पसंद? क्यों हुआ था ऋतिक का डायवोर्स? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं और इस बार उनके सुर्खियों में छाने की वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म फाइटर। फिल्म में ऑडियंस को बेहतरीन एक्शन सीन्स और स्वीट सा रोमांस देखने को मिलेगा। उनकी इस फिल्म में बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम सुपरस्टार ऋतिक रोशन फिल्म में लीड रोल में अपने शानदार अभिनय और धमाकेदार एक्शन स्टंट से ऑडियंस का दिल जीतते हुए नजर आएंगे। उनके साथ फिल्म में बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण सिंह अपनी दिलकश अदाओं से और कुछ स्टंट से ऑडियंस को अपना दीवाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी ये फिल्म इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म होगी और ये फिल्म में ऑडियंस कई यूनिक और खतरनाक एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अभी तक ऑडियंस ने किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखे होंगे। फिल्म की शूटिंग पिछले साल यानी साल 2021 से चल रही है। बीच में कोविड के केसेस बढ़ने के कारण फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया गया था और अब खबर है कि मेकर्स एक बार फिर जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग इसी साल के सितंबर के महीने से शुरू की जा सकती है। दीपिका और ऋतिक के फैंस उनको फिल्म में एक साथ काम करते हुए देखने के लिए बेताब हैं। ये ऋतिक और दीपिका की पहली फिल्म होगी जिसमें एक साथ वो स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी भी फिल्म में साथ में काम नहीं किया था। फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन की ऑडियंस तो दीवानी है। ऑडियंस उनके हॉलीवुड वाले लुक्स, धमाकेदार एक्शंस और शानदार बॉडी पर फिदा है। उनके फैंस उनकी फिल्मों का इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि फिल्मों में वो उनकी शानदार बॉडी और धमाकेदार एक्शन को देख पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मों में हमेशा स्टाइलिश और खुश दिखने वाले ऋतिक रियल लाइफ में उतने खुश नहीं है, और उनके खुश ना होने की वजह है उनका डाइवोर्स। दरअसल उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान को लंबे समय तक डेट करने के बाद साल 2000 में उनसे शादी कर ली, और शादी के करीब 13 साल तक वो दोनों साथ रहे थे, और फिर अचानक से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया। हालांकि डाइवोर्स के बाद इस कपल ने अपने डाइवोर्स की वजह पब्लिक नहीं की, लेकिन अपने बेटे रिहान और रिधान की अच्छी परवरिश करने के लिए वो दोनों जब तब साथ में देखे जाते हैं। खबर है कि ऋतिक एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं और सुजैन अपने फ्रेंड अरसलान गोनी को डेट कर रही हैं। हालांकि अभी तक किसी ने अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही पब्लिकली अनाउंसमेंट की है। फिलहाल ऋतिक अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी बिजी हैं और वो जल्द ही फाइटर की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। उनकी ये फिल्म अगले साल 26 कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। वह आखिरी ख्वाहिश, ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काम। क्या फाइटर मूवी होगी पोस्टपोन? कौन सी तीन मूवीज का कलैश होने वाला है रिपब्लिक डे 2023 पे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड मूवी फाइटर के बारे में। फाइटर मूवी ऋतिक और दीपिका की एक साथ पहली मूवी होने वाली है। मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट 26 जनवरी 2023 फाइनलाइज की गई थी, लेकिन हाल ही में शाहरुख खान ने अपनी कमबैक मूवी पठान की रिलीज डेट 25 जनवरी रिवील की है। अब चाहे पठान और फाइटर दोनों ही मूवीज सेम डायरेक्टर यानी कि सिद्धार्थ आनंद की हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन हाउसेज के क्लैश से ये दोनों ही मूवीज आमना सामना होने वाली हैं अगर कोई भी फ्रेंचाइजी अपनी रिलीज डेट को पोस्टपोन या प्रीपोन नहीं करता है। और मोर ओवर ये सिर्फ दो मूवीज ही क्लैश नहीं बल्कि तीन मूवी का क्लैश साबित होगा, और वो थर्ड मूवी है जॉन अब्राहम की तेहरान, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे अरुण गोपलान ने डायरेक्ट किया है। यानी कि अगर कोई भी पोस्टपोन या प्रीपोन किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा शेड्यूल नहीं किया जाता है तो फिर 25 जनवरी को पठान और फाइटर मूवी रिलीज होंगी और 26 जनवरी को तेहरान रिलीज होगी। इनडायरेक्टली बैटल होगी शाहरुख खान वर्सेस जॉन वर्सेस ऋतिक, और ये तीनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के तीन बड़े नाम है। शाहरुख खान का जिक्र तो स्पेशली होगा क्योंकि पठान मूवी शाहरुख खान की एक कमबैक मूवी होने वाली है, और जैसा कि हमने बताया कि शाहरुख खान ने खुद पठान की रिलीज डेट 25 जनवरी डिक्लेयर की है, तो ये बात तो कंफर्म है कि पठान की डेट्स तो चेंज नहीं होंगी, यानी कि अब बताई जाएगी फाइटर और तेहरान की डेट्स। तेहरान मूवी के रिलीज डेट तो पठान से भी पहले ही डिक्लेयर थी 26 जनवरी के लिए, सो बची फाइटर मूवी जो कि 2023 का बिगेस्ट क्लैश माना जा रहा था, लेकिन सॉरी आपके अरमानों पे पानी डालने के लिए हाल ही में फाइटर के मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट को काफी मंथ तक पोस्टपोन कर दिया है। फाइटर मूवी पहले तो 25 जनवरी को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन करके सितंबर 2023 कर दिया गया है। अब मेकर्स ने यह फैसला शाहरुख खान की पठान से क्लैश होने की वजह से किया है या फिर मूवी की शूटिंग शेड्यूल से चलते, इसके बारे में तो मेकर्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बस ये बात कन्फर्म है कि क्लैश जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो तो होगा नहीं 2023 में।
आपको क्या लगता है, अगर फाइटर वर्सेस पठान का क्लैश होगा तो फिर दोनों में कौन सी फिल्म बाजी मारती है बॉक्स ऑफिस पे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर स्पैम कीजिएगा। बाकी रही बात हमारे ओपिनियन की, तो आप जानते ही हैं कि हम मूवी के कॉन्सेप्ट और थीम के बेसिस पर उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं। तो इस कंपैरिजन के बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। किसने लिखी है फिल्म की कहानी, कौन कर रहा है फिल्म का निर्देशन? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड और हॉलीवुड लुकिंग हीरो ऋतिक रोशन अक्सर अपने स्मार्ट और हैंडसम लुक्स को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म फाइटर को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो इस अपकमिंग फिल्म फाइटर में लीड रोल में अभिनय करते हुए नजर आएंगे। बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण सिंह फिल्म में उनके साथ एक बेहतरीन रोमांटिक केमिस्ट्री का प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। ऑडियंस पहली बार अपने इन दोनों चहीते सुपरस्टार्स को साथ में एक फिल्म में काम करते हुए देखेंगे। उम्मीद है कि ऑडियंस को दीपिका और ऋतिक की ये नई जोड़ी पसंद आएगी। लंबे समय से ऑडियंस ऋतिक और दीपिका को साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए देखना का वेट कर रही है, और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि ये दोनों सितारे भी साथ में काम करने का इंतजार कर रहे थे। कई बार कुछ डायरेक्टर्स ने उन्हें किसी फिल्म में साथ में कास्ट करने की प्लानिंग की, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, और अब फाइनली एक लंबे समय के इंतजार के बाद बड़ी बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्शन फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इन दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ बड़ी स्क्रीन पर लाने में सफल हुए। ऋतिक और दीपिका स्टारिंग ये फिल्म बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में गिनी, या यूं कहें कि प्रेम ज्ञानी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर कर रहे हैं। ये फिल्म इसीलिए भी खास है क्योंकि ये फिल्म इंडिया की पहली एरियल फिल्म होगी। फिल्म के डायरेक्टर फिल्म के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले साल यानी 2021 से शुरू हो चुकी है। कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग में कई रुकावटें आने के कारण फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया गया था, और अब खबर यह है कि मेकर्स इसी साल सितंबर के एक बार फिर फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। फिल्म में ऋतिक के साथ दीपिका भी कई खतरनाक स्टंट्स करती हुई नजर आएंगी। इन स्टंट्स के लिए इन दोनों स्टार्स ने किसी बॉडी डबल की हेल्प नहीं ली, और इन स्टंट्स को खुद ही ऋतिक और दीपिका ने परफॉर्म किया है। फिल्म में ऋतिक एक एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, वहीं दीपिका के रोल को लेकर अभी तक मेकर्स ने कोई खबर शेयर नहीं की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म की कहानी लिखने के काम खुद फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया है और फेमस राइटर रमन चिब ने लिखी है। एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ ने बताया था कि उन्हें फिल्म की कहानी लिखने में सालों का वक्त लगा है, और अब उस कहानी को कैमराज की मदद से उसी तरह पोर्ट्रे कर पाना बेहद ही मुश्किल काम है, लेकिन वो और उनका क्रू ये मुश्किल काम भी करेगा और ऑडियंस को एक्शन फिल्म को लेकर एक नया एक्सपीरियंस भी देगा। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। ऋतिक और दीपिका स्टारिंग ये फिल्म अगले साल 2023 में 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। वह आखिरी ख्वाहिश ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। क्यों पोस्टपोन की गई ऋतिक और दीपिका के फिल्म फाइटर? क्या जादू करेगी ऋतिक और दीपिका के डियो की ये पहली फिल्म? आखिर क्यों सुर्खियों में चल रहा है मार्फलिक्स पैनल? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में।
मुझे यकीन है कि आप भी बेहद एक्साइटेड होंगे इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म के लिए। हाँ तो दोस्तों, आपने सही समझा, मैं वही पहली वाली एरियल एक्शन फिल्म फाइटर के बारे में बात कर रही हूँ जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आपको इस फिल्म के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, 11 मार्च 2022 को खुद ऋतिक रोशन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे 22 सेकंड के वीडियो के साथ फाइटर मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी है। तो अब ये मूवी रिलीज होगी 28 सितंबर 2023 को। इससे पहले ये खबर थी कि ये मूवी 26 जनवरी 2023 को यानी रिपब्लिक डे को रिलीज करने का प्लान था। लेकिन ठीक उसी समय सेम मार्फ्लिक्स बैनर के अंदर बनी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर पठान मूवी भी रिलीज होने वाली है। पठान और फाइटर दोनों मूवीज के निर्देशक सिद्धांत आनंद इन दोनों एक्शन फिल्म का एक साथ क्लैश अवॉइड करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने फाइटर मूवी की रिलीज डेट अब पोस्टपोन कर दी है। अब ये मूवी सितंबर 2023 में दर्शकों को देखने मिलेगी। अपनी जबरदस्त एक्शन के लिए फेमस एक्टर ऋतिक रोशन और अपने हर किरदार को बखूबी निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की जोड़ी पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाली है। ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल करेगी, इसकी उत्सुकता सभी दर्शकों में छाई हुई। फाइटर मूवी सिद्धार्थ आनंद और उनकी वाइफ ममता आनंद का पहला कॉमन प्रोजेक्ट रहने वाला है। तब तक के लिए फाइटर मूवी के कुछ अनसुने फैक्ट्स आपको कैसे लगे ये हमें जरूर बताएं, और आप कुछ और जानना चाहते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके अपने पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। गौर से देखिए, नाकाम है इनमें न मरने का गम है न मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में तुझे अपनी मौत नजर आएगी। कुछ याद है क्या? स्ट्रॉन्ग म्यूजिक से जीत पाएगी ऑडियंस का दिल, वॉर के म्यूजिक में लेंगे लेसन्स। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ऋतिक रोशन एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने हर किरदार से फैंस का दिल जीता है। ऋतिक की अदाएं, एक्टिंग के तरीके और ग्लैमरस से लेकर सीरियस अवतार सब फैंस को बहुत पसंद आते हैं। ऋतिक की फिल्मों का उनके फैंस सालों साल इंतजार करते हैं और अब लगता है कि उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हाँ, ऋतिक रोशन के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि सुनने में आया है कि ऋतिक जल्द ही एक बड़ी बजट फिल्म के साथ वापस आने वाले हैं और इस बार उनका अवतार पहले से भी बहुत ज्यादा हटकर होने वाला है। ये बात तो सभी जानते हैं कि जब भी ऋतिक किसी बड़ी बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्म का हिस्सा होते हैं तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट होती है और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में है। वो अपने डांस मूव्स और धमाकेदार एक्शन सीन्स के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर को लेकर भी खास चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में जानकारी देते उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक स्ट्रॉन्ग म्यूजिक के साथ फिल्म के किरदार और फिल्म की नई डेट को पेश किया जा रहा है। ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड फिल्मों की एक बहुत खास बात ये होती है कि इन फिल्मों का म्यूजिक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फिल्म को हिट बनाने में, और कई बार कुछ गाने इतने सुपर डुपर हिट हो जाते हैं कि वो फिल्मों के कलेक्शन को बूस्ट कर देते हैं। और फाइटर फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही करने का प्लान किया गया है। सुनने में आया है कि फाइटर फिल्म के म्यूजिक पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इसके पहले ऋतिक की फिल्म वॉर के गानों को फैंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया था, जिसका एहसास ऋतिक और वॉर फिल्म की पूरी टीम को था। और इसी से सबक सीखकर फाइटर फिल्म के म्यूजिक पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बता दें, फाइटर भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी फिल्म है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लीड किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा अनिल कपूर भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि फाइटर फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है और इस फिल्म के लिए अभी से ही लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अभी फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर?
कपूर को क्या है नुकसान? क्या लोगों की तरह दीपिका भी चाहती है फाइटर को टालना? कितना अलग अंदाज होगा दीपिका का पठान और फाइटर में? स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म फाइटर के लिए अब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से बॉलीवुड के किंग खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म पठान की रिलीज सेम डे अनाउंस की है, तब से फिल्म फाइटर को लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही है, जिसमें से एक है दीपिका पादुकोण की दिक्कतों के बारे में। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि दीपिका फाइटर में तो दिखेंगी ही, उसके साथ वो शाहरुख खान की पठान का भी हिस्सा बनी है। ऐसे में जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो इससे उनकी मुश्किलें तो बढ़नी ही है। इसलिए कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण भी चाहती हैं फाइटर को नई रिलीज डेट मिले, ताकि वो इस मजदार से उभर पाए। वैसे इन फिल्मों के क्लैश से दीपिका को सबसे बड़ा नुकसान यही है, जैसा वो चाहती हैं उनकी इन दोनों फिल्मों का मजा ऑडियंस ले पाए तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त पर लोग पठान और फाइटर में से सिर्फ एक ही फिल्म चुनेंगे। दोस्तों, दीपिका पादुकोण के लिए दोनों ही फिल्म में खास है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों में वो अपने नए अवतार दिखाती हुई नजर आ सकती हैं। जहां एक तरफ वो फिल्म पठान में आपको एक रफ एंड टफ लुक में नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म फाइटर में वो आपको एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखाई देंगी जो फुल ऑन एक्शन होगा। अगर बात करें तो फैंस दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उनकी आने वाली फिल्म फाइटर को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले फिल्म वॉर से तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में भी ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आए थे, लेकिन उनके साथ फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी थे। खैर, काफी समय से दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन के फैंस ये चाहते थे कि दोनों किसी फिल्म में एक साथ काम करें, और फैंस की ये चाहत फिल्म फाइटर से खत्म हो जाएगी। दोनों बड़े सितारे एक फिल्म में नजर आएंगे, जिससे एक बात तो तय है कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो आप लोग बताएं कि आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। ऋतिक करते हैं इंडिया में नए जॉनर को इंट्रोड्यूस, क्या ऋतिक करेंगे दीपिका को ओवर पार? ऋतिक रोशन और उनके लुक्स के बारे में कुछ भी कहना बेकार ही होगा। ऋतिक रोशन हमेशा अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो उनके बोलने के तरीके से हो या फिर उनके लुक से। साल 2000 में कहो ना प्यार है फिल्म से ऋतिक रोशन ने एक्टिंग में डेब्यूट किया, और इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय से ऋतिक ने फैंस के दिलों को छू लिया। इस फिल्म ने कई स्टैंडर्ड्स सेट किए, आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से ये एक है। इस फिल्म के बाद ऋतिक रोशन ने एक अलग जॉनर इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद ऋतिक ने कोई मिल गया जैसी फिल्म के साथ हिंदी ऑडियंस को साइंस फिक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया, और एक कॉमेडी के तरीके के साथ साइंस फिक्शन वाली फिल्म दिखाई। अब एक बार और फिल्म फाइटर के साथ ऋतिक एक और जॉनर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। फिल्म फाइटर के एक इंट्रो में बताया गया है कि ये भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म है। आखिरी में फिल्म की रिलीज डेट 28 सितंबर 2023 आती है। ऋतिक रोशन ने भी इस अनाउंसमेंट टीजर के कैप्शन में ऋतिक ने फिल्म की रिलीज डेट लिखी है, और इसे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, अनिल और दीपिका को टैग किया है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण बड़े पर्दे पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोनों पहली बार फिल्म फाइटर में साथ काम कर रहे हैं। ऋतिक ने बताया कि फिल्म अगले साल 28 सितंबर को रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ ऋतिक के साथ बैंग बैंग और वॉर के बाद तीसरी बार साथ काम कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन के साथ काम करने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ऋतिक के साथ काम करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है, आप जानते हैं कि कभी कभी यह किसी के साथ काम करने के बारे में नहीं होता। मुझे बस ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें हैं, इसकी सही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इसके सही डायरेक्टर होने चाहिए, बहुत सी चीजें हैं जो तय करती हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक साथ आने का सही समय है। वैसे तो दीपिका और ऋतिक में दोनों ही एक्टर्स ऐसे हैं कि कई लोगों का कहना है
कि ऋतिक शायद से स्क्रीन पर दीपिका की प्रेजेंस को ओवरपावर कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद इन दिनों शाहरुख खान स्टारर मच अवेटेड फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी हैं। वह फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को पूरा करने के बाद फाइटर पर काम करेंगे। आपको बता दें कि फाइटर फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है और इस फिल्म के लिए अभी से ही लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसी के साथ मैं प्राची लेती हूँ आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख। ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर तोड़ देगी सभी रिकॉर्ड्स। दीपिका के एक्शन सीन्स देंगे हॉलीवुड को टक्कर। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्मों का इंतजार उनके फैंस को बेसब्री से रहता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद उन्होंने अपनी करियर में बहुत कम फिल्में ही की है। ऋतिक बॉलीवुड के उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्हें एक्टिंग, डांसिंग, रोमांस और एक्शन में महारत हासिल है, फिर भी वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ उन फिल्म्स को ही चूज करते हैं जिसमें उन्हें कुछ चैलेंजिंग करने को मिलता है। लक्ष्य, कृष, कोई मिल गया और गुजारिश जैसी फिल्में इसका सीधा उदाहरण है कि ऋतिक एक टिपिकल हीरो की तरह टाइपकास्ट नहीं होना चाहते और हर बार अपने चाहने वालों को कुछ बेहतर पेश करना चाहते हैं। इसलिए तो उनकी अपकमिंग फिल्म फाइटर को लेकर काफी बज है जिसमें वो ताबड़तोड़ एक्शन सीन्स करते दिखेंगे। और तो और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी इस फिल्म में बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर भी उनसे लोहा ले सकते हैं। ये फिल्म एक एरियल एक्शन मूवी होगी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड के ग्रीक गॉड वर्सेस बॉलीवुड के सदाबहार झक्कास एक्टर के बीच किसका पलड़ा भारी रहेगा। मगर एक बात तो तय है कि दोनों की जोड़ी थिएटर्स में खूब तालियां और सीटियां बटोरने वाली है, क्योंकि हाल ही में अपना 65वां जन्मदिन मनाया था अनिल कपूर ने और उनके नाम को फिल्म में कंफर्म किया गया है। ऐसे में उनके एक्शन को देखकर बहुत ही कल्पना से आगे है लोगों के लिए। मूवी में बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका भी है जिनसे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हॉलीवुड लेवल स्टंट करवा सकते हैं। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे क्योंकि सिद्धार्थ और ऋतिक की पिछली फिल्में बैंग बैंग और वॉर में कैटरीना और वानी ने भी एक्शन सीन किए हैं। दीपिका अभी अपनी एक्शन फिल्म पठान की शूटिंग में व्यस्त हैं जिसमें जॉन अब्राहम और शाहरुख खान के साथ वो एक्शन करते दिखेंगी, तो दीपिका से उम्मीदें काफी बढ़ जाती है। खबरों के मुताबिक फिल्म की कहानी भारतीय वायुसेना के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें ऋतिक एक अंडर कवर ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। ये रोल उनकी पर्सनालिटी को काफी सूट भी करता है क्योंकि बहुत से लोग उन्हें जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज में कास्ट होते देखना चाहते हैं, जिसमें एक गुड लुकिंग कैरेक्टर शातिर दिमाग के साथ बड़े बड़े कारनामे करता है। फिलहाल तो ऋतिक अपनी अपकमिंग मूवी विक्रम वेदा की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें वो एक गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं और उनके साथ सैफ अली खान भी हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के गेटअप में नजर आएंगे। बात करें फाइटर के बजट की तो मूवी का बजट 250 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसे सुनकर ही चक्कर आ जाते हैं। अब इतने बड़े बजट और स्टार कास्ट के साथ बनने वाली इस फिल्म को लेकर ऑडियंस बेसब्र होकर इस मूवी का इंतजार कर रही है, मगर इस इंतजार की घड़ी में अभी वक्त और है क्योंकि मूवी की शूटिंग सितंबर 2022 से स्टार्ट होगी और मेकर्स इसे 2 अक्टूबर 2023 तक सिल्वर स्क्रीन पर उतारने का मन बना रहे हैं। कोई उनसे कहो कि अब इंतजार नहीं होता, फैंस अपने ग्रीक गॉड को देखने के लिए पागल हो रहे हैं, जिसका असर हमने सोशल मीडिया में ऋतिक के फैन पेजेस में इस फिल्म से जुड़ी स्टोरी और पोस्टर्स में देखने को मिल रही है।
क्या आपको लगता है कि मूवी को जल्द रिलीज किया जा सकता है? क्या अनिल इस मूवी में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्या सीख रही हैं दीपिका पादुकोण? क्या ऋतिक रोशन की बराबरी कर रही हैं दीपिका? मेकर्स दे रहे हैं मेन लीड्स को किस चीज की ट्रेनिंग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलिंग डांस स्टूडियोज। दोस्तों, ऋतिक रोशन अपनी फिल्म फाइटर के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में वो एक बेहद ही दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं, जिसके लिए वो बहुत पसीना बहा रहे हैं। वैसे सिर्फ ऋतिक रोशन ही नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये दोनों ही फिल्म के लिए एक्शन सीक्वेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जब फिल्म का नाम ही फाइटर है तो इसमें फाइटिंग सीक्वेंस तो होना बनता ही है। वहीं इस फाइटिंग सीक्वेंस को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए मेकर्स ने हॉलीवुड से कुछ मेहमानों को बुलाया है। मेहमानों से हमारा मतलब है फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर, जो फिल्म के सभी एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करेंगे। इसके अलावा ये स्टंट कोरियोग्राफर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को भी उन एक्शन सीक्वेंस की ट्रेनिंग देंगे। वैसे जितना एक्शन आपको ऋतिक के हिस्से में नजर आएगा, उतना ही एक्शन दीपिका पादुकोण के हिस्से भी दिखाई देने वाला है। दोस्तों, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म में दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन की बराबरी करती हुई नजर आएंगी। दीपिका को एक्शन करते हुए देखना उनके फैंस के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है, हालांकि उनको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं अगर बात करें फिल्म की रिलीज की, तो फाइटर अगले साल 25 जनवरी को थिएटर्स पर दस्तक देगी। और इसी डेट पर हाल ही में किंग खान ने अपनी फिल्म पठान की रिलीज भी अनाउंस कर दी है, इसलिए हो सकता है कि फाइटर के मेकर्स अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दें। आगे बात करें तो फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा अनिल कपूर भी नजर आएंगे। बता दें, फिल्म की कास्ट को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट साफ देखने को मिल रही है। वहीं अब दीपिका की फाइटर को लेकर भी उम्मीद है कि इस फिल्म में भी एक्ट्रेस कुछ नयापन लाएंगी। तो आप लोग बताएं कि आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप अपने कमेंट्स हमारे साथ। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्या फिल्म में होगा एरियल एक्शन सीन? दीपिका पादुकोण की किस फिल्म की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग? क्या होता है एरियल एक्शन? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म फाइटर आए दिनों चर्चाओं में रहती है। फिल्म में बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण सिंह और हैंडसम हंक ऋतिक रोशन लीड रोल में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतते हुए नजर आएंगे। फिल्म में फीमेल लीड में काम कर रही दीपिका पादुकोण इन दिनों सुर्खियों में हैं, और उनकी यूं लगातार सुर्खियों में बने रहने की वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म गहराइया। उनकी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी और फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्या कारवा नजर आएंगी। दीपिका की इस फिल्म की मुंबई में मेकर्स ने कल रात को स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई थी, जिसे बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने अटेंड किया था। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर दीपिका नियॉन कलर की शॉर्ट पेंसिल स्कर्ट और ब्लैक टैंक टॉप के साथ ब्लैक कलर का ब्लेजर पहने नजर आई। वहीं अनन्या पांडे, सोनाक्षी सिन्हा, कपिल शर्मा के साथ कई अन्य कलाकार फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद थे। दीपिका जल्द ही अपने सभी कामों से फ्री होकर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर की शूटिंग शुरू कर देंगी। वो फिल्म में कई एक्शन सीन्स करती हुई दिखाई देंगी। साथ ही आपको बता दें कि सिद्धार्थ साहब की ये फिल्म आम एक्शन फिल्मों से पूरी तरह अलग होने वाली है। फिल्म में ऑडियंस को एरियल एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि एरियल एक्शन सीन्स क्या हैं। चलिए हम बताते हैं आपको कि ये एरियल एक्शन क्या होता है। दरअसल एरियल एक्शन फिल्म में एक्टर्स कई स्टंट और एक्शन सीन्स किसी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की मदद से करते हैं। और इतना ही नहीं, एरियल एक्शन फिल्म में शूट भी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर की मदद से ही होती है। इस प्रकार की फिल्में करना थोड़ा खतरनाक होता है, फिल्म में काम कर रहे एक्टर्स के लिए भी खतरनाक होता है। फिल्म की शूटिंग कर रहे सिनेमेटोग्राफर के साथ साथ फिल्म के क्रू के लिए भी। मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है और इस साल के अंत तक वो फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। साल 2023 की 26 जनवरी को ये फिल्म रिलीज की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियो से। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते कीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद। देखिए नाकाम है, इनमें न मरने का गम है न मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। फिल्म में काम करने की क्या फीस ली है ऋतिक ने? कब रिलीज किया जाएगा फिल्म का ट्रेलर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन, आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में जैसे ही कोई फिल्म मेकर अपनी किसी नई फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट करता है, वैसे ही उस फिल्म में काम कर रहे एक्ट्रेस के फैंस उस फिल्म में काम कर रहे उनके फेवरेट एक्टर से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं। बॉलीवुड के फेमस एक्शन ड्रामा डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने एक बार फिर हाजिर है अपनी नई मास्टरपीस फिल्म फाइटर के साथ। सिद्धार्थ द्वारा निर्देशित फिल्म में बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड में हॉलीवुड लुकिंग हीरो ऋतिक रोशन पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। ऋतिक और दीपिका के फैंस इस जोड़ी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और वो इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिनकी फीस बहुत हाई है। वो फिल्म में काम करने के लिए वैसे तो 50 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। खबरों की माने तो ऋतिक इस फिल्म में काम करने के लिए 70 से 80 करोड़ की मोटी फीस वसूलेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि ऋतिक ब्रांड एम्बेसडर के लिए भी करोड़ों में फीस लेते हैं। हाल ही में वो एक ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जिसके लिए उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और इस ऐप का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने 2 करोड़ की फीस अलग से चार्ज की है। साथ ही बात करें अगर फिल्म के ट्रेलर रिलीज की तो आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। कोविड की वजह से कई बार फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था और फिर जब शूटिंग के लिए समय था तो फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस दीपिका अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। मेकर्स जल्दी ही फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। लगभग आधी फिल्म शूट हो जाने के बाद मेकर्स फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज कर देंगे और अनुमान फिल्म का पहला ट्रेलर इसी साल अगस्त में रिलीज किया जा सकता है। आनंद साहब की ये फिल्म अगले साल 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियो से। यहाँ हम आपको देंगे बॉलीवुड की फिल्मों की। कितने महंगे कपड़े पहनती है दीपिका, कितने कॉस्टली कपड़े पहनकर प्रमोशंस के लिए गई दीपिका, कहाँ होगी फिल्म की शूटिंग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। Viacom 18 और Marflix Pictures द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले फिल्म फाइटर इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। फिल्म में हैंडसम हंक ऋतिक रोशन और बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण सिंह मेन लीड में अपने अभिनय की छाप छोड़ते नजर आएंगे। फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस दीपिका इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में छाई हुई है और उनके सुर्खियों में छाने की वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म गहराइयां, जो 11 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। फिल्म में दीपिका के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और शौर्या भी नजर आएंगे। दीपिका फिलहाल फिल्म के प्रमोशन को लेकर खासा बिजी है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान दीपिका द्वारा पहने गए महंगे और अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम से लोगों की नजर नहीं हट रही है। प्रमोशन के दौरान दीपिका एक सिंपल शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में नजर आई थी और इसे सिंपल ड्रेस की कीमत होश उड़ा देने वाली थी।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से दीपिका की इस ड्रेस की कीमत 41,000 रुपीस थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे दिन भी जो ड्रेस उन्होंने पहनी थी उसकी कीमत थी लगभग 53,000 के करीब। अब अगर आप दीपिका की डाई हार्ड फैन हैं और उनका स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं तो अपने ऊपर 1-2 लाख रुपए सिर्फ एक दिन के लिए उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल तो दीपिका गहराइयां के प्रमोशन में ही बिजी हैं। इस फिल्म के रिलीज होते ही दीपिका सिद्धांत आनंद की फिल्म फाइटर की शूटिंग फिर से स्टार्ट कर देंगी। फिल्म की शूटिंग अबू धाबी, साउथ इंडिया, मुंबई, दिल्ली, बेल्जियम और लंदन जैसी जगहों पर की जा सकती है। फिल्म के कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश और गोवा में भी शूट किए जाएंगे। साथ ही में खबर है कि फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नोएडा में भी की जा सकती है, जिससे कि नोएडा के फिल्म सिटी को अच्छी पहचान मिले और ज्यादा से ज्यादा मेकर्स उत्तर प्रदेश में अपनी फिल्मों को शूट करें। ऋतिक और दीपिका स्टारिंग ये फिल्म अगले साल 26 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीगर्ल स्टूडियो से। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड के फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? बिना खून और सटीक ना तो इनमें मरने का काम है ना मौत का खौफ। कोई आखिरी ख्वाहिश? क्या अनिल कपूर होंगे फिल्म का हिस्सा? फिल्म के प्रमोशन के दौरान किस लुक में नजर आई दीपिका? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। बॉलीवुड के एक्शन फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म फाइटर को लेकर जमकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड की लेडी स्टार दीपिका पादुकोण हमें नजर आने वाली है। वहीं उनके अपोजिट एक्शन हीरो ऋतिक रोशन इस फिल्म में नजर आएंगे। इन दोनों के अलावा फिल्म में अनिल कपूर भी अभिनय करते हमें नजर आएंगे। वो सपोर्टिंग रोल में इस फिल्म में हमें दिखाई देने वाले हैं। अनिल कपूर फिल्मों में पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं और 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं अब तक। अनिल कपूर आखिरी बार AK वर्सेस AK फिल्म में नजर आए थे। ये फिल्म OTT पर रिलीज की गई थी और ऑडियंस द्वारा भी इस फिल्म को ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। अब डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की आने वाली फिल्म फाइटर में वो कैसा रोल निभाने वाले हैं, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी को लिखा है रामन ने। वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर और राइटर हैं। साथ ही साथ हाल ही में उन्हें कपिल शर्मा शो के सेट पे पापराजी द्वारा स्पॉट किया गया था। वहाँ भी वो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए गई थी। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां 11 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे भी शामिल हैं। कपिल शर्मा के शो में वो एक लेदर ड्रेस में नजर आई जिसमें वो काफी कहर ढा रही थी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब। Ladies and gentlemen, it's बॉलीवुड के लिए।
क्या अनन्या तैयार हैं एक और फिल्म फेयर के लिए? क्या होने वाला है ऋतिक वर्सेस रणबीर वर्सेस विजय देवरकोंडा? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो हाल ही में न्यूज़पेपर्स और सोर्सेज से सामने आ रहा है ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर और साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म लेगर के बीच कुछ कनेक्शंस जिसको लेकर बॉलीवुड इज ऑन बज। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे उन कनेक्शंस के बारे में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, दोनों ही फिल्म्स के फर्स्ट ग्लिम्स रिलीज किए जा चुके हैं। दोनों ही एक्टर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं अपनी फिल्म्स को लेकर। दोनों ही सुपरस्टार्स हैं जिनकी मास फैन फॉलोइंग है और अपनी लास्ट रिलीज से ऑलरेडी क्रिटिक्स को इम्प्रेस कर चुके हैं। ऋतिक रोशन की फिल्म की रिलीज डेट 30 सितंबर 2022 की फाइनल की गई है। वहीं दूसरी तरफ विजय देवरकोंडा स्टारर लेगर की डेट पहले फाइनल नहीं की गई थी कुछ रीजंस की वजह से, पर अब दोस्तों एक इंटरव्यू में फिल्म के मेकर्स ने रिलीज डेट 25 अगस्त 2022 की फाइनल की है। फाइटर फिल्म की फीमेल लीड है दीपिका पादुकोण, वहीं लेगर की फीमेल लीड अनन्या पांडे है। मुझे अनन्या पांडे से एक्चुअली कुछ याद आ गया। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। अरे नहीं, उसका स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, जीभ से नाक टच करने का हिडन टैलेंट। हा हा हा, है किसी में दम, कर सकता है कोई? ओ गॉड। दोस्तों, पहला कनेक्शन दोनों फिल्म्स में ये है कि लेगर फिल्म का नाम पहले फाइटर ही फाइनल किया गया था, फिर उसके बाद बट दोस्तों सिद्धार्थ आनंद के नाम पर कॉपीराइट क्लेम करने की वजह से मेकर्स को नाम चेंज करना पड़ा और नाम फाइनली डिसाइड हुआ लेगर। दूसरा कनेक्शन ये है दोस्तों कि दोनों ही फिल्म्स फाइटिंग्स के रिलेटेड हैं, आई मीन कि दोनों ही एक्शन पैक्ड फिल्म्स हैं। फिल्म फाइटर में ऋतिक एयरफोर्स ऑफिसर हैं और एरियल एक्शन सीन्स परफॉर्म करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लेगर फिल्म में विजय देवरकोंडा इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एमएमए फाइटर विद रफ पास्ट। ऋतिक रोशन की फिल्म के लिए काफी ज्यादा बड़ा टफ कंपटीशन है, क्योंकि सोर्सेस की मानी जाए तो दोस्तों कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की एक अनटाइटल फिल्म के क्लैश करने के चांसेस हैं, तो अब कंपटीशन और बढ़ गया है क्योंकि विजय देवरकोंडा की फिल्म लेगर में नजर आने वाले हैं अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर माइक टाइसन। दिस सीम्स टफ नो। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस फिल्म में ऋतिक रोशन का जो रोल है वो अगर उनकी बाकी मूवीज से कंपेयर किया जाए तो कुछ ज्यादा बिग डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। और ऋतिक रोशन सिद्धार्थ आनंद के साथ पहले भी कोलैब कर चुके हैं। नो दोस्तों, मूवी वॉर 2019 और बैंग बैंग 2014 जैसी ब्लॉकबस्टर हिट्स में ऋतिक रोशन हमेशा से ही एक्शन लवर रहे हैं और पहले भी मूवीज में भरपूर एक्शन रिलेटेड सीन्स कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, दीपिका ने भी आज तक कभी निराश नहीं किया है। लेगर के कंपैरिजन में फाइटर फिल्म की कास्टिंग का ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कनेक्शन जो सामने आया है वो है फिल्म की रिलीज और प्रमोशन का। बताना चाहूंगी कि लेगर फिल्म को हिंदी के साथ साथ मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाएगा। वहीं दोस्तों, ऋतिक दीपिका स्टारर फिल्म को भी पैन इंडिया के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, पैन इंडिया रिलीज का मतलब ये है कि जब किसी बॉलीवुड फिल्म को नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर थिएटर में ग्रैंड रिलीज मिलती है। वैसे मेरे हिसाब से एरियल एक्शन जैसे कंसेप्ट बॉलीवुड के लिए रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ऑलरेडी इट्स अ हाई बजटेड फिल्म एंड व्हाट इफ द फिल्म कुडंट फुलफिल इट्स प्रॉमिस। गाइस, आई एम अफ्रेड अ बिट, बट सी व्हाट हैपेंस। होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। मूविंग टू द पार्ट, दोनों ही एक्टर्स ऋतिक रोशन और विजय देवरकोंडा के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। विजय देवरकोंडा की ये डेब्यू फिल्म है बॉलीवुड में अंडर द बैनर धर्म प्रोडक्शंस। दीपिका पादुकोण जो ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी ऑडियंसेस को इम्प्रेस करती रहती हैं। देखना ये है कि इस बार फिल्म में क्या थ्रिलिंग करने वाली है। गाइज, नाउ इट सीम्स ऑल ऑफ देम आर बकल्ड अप फॉर दिस सिद्ध आनंद जॉय राइड। वर्किंग विद सच टफ कॉम्पीटिंग एक्टर्स ऑफ एन इंडियन सिनेमा, बोथ आर मल्टी टैलेंटेड एंड लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड टू वो द ऑडियंस। बट गाइज, क्लैशेस और कॉम्पिटिशन देखने का मजा जरूर आने वाला है। रिसेंटली तरण आदर्श रोड इन हिज पोस्ट ऋतिक वर्सेस रणबीर, जहां उन्होंने क्लियरली रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन की फिल्म्स में होने वाले क्लैशेस की बात चल रही है। इंटरेस्टिंग नो। वैसे भी फिल्में सब तीन चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। बट गाइज, व्हाई एम आई गेटिंग फिल्मी? सो इट्स क्लियरली गोइंग टू बी ऋतिक वर्सेस विजय एंड ऑल्सो ऋतिक वर्सेज रणबीर, बट लेट्स सी हु विंस द रेस।
और दोस्तों क्योंकि यार एवरग्रीन बैचलर झकास अनिल कपूर भी अब इस जॉयफुल राइड का हिस्सा बन चुके हैं तो फैंस और ज्यादा एक्साइटेड है। ऑनेस्टली गाइस मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, नहीं मैं एंटी बॉलीवुड गीक नहीं हूँ, बस मेरे तारे मेरा साथ नहीं देते। ओह नो गाइस सो सॉरी, सेल्फ रोस्ट हो गया है यहाँ तो। बट इट्स ग्रेट दैट फाइनली बॉलीवुड इज गेटिंग इट्स फर्स्ट एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी एंड एज देयर इज अ फ्रेश पेयर ऑन स्क्रीन इट वुड बी लवली टू सी देयर केमिस्ट्री। टॉकिंग अबाउट ऋतिक, द एक्टर इज वेल सेट टू मेक हिज रिटर्न टू द बिग स्क्रीन विद फाइटर आफ्टर ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग ईयर्स एज हिज लास्ट फिल्म वॉर रिलीज्ड इन 2019। Trade pundits are expecting Fighter to create ripples on the box office and see the Clash registers jingling. Thus, there is prediction certainly for more positive reviews and also adds a plus point to the film. Guys, काफी जोरों शोरों से फिल्म को बिग लेवल पर प्रमोट करने की तैयारी है। अब गाइज अनिल कपूर के मूवी को ज्वाइन करने से काफी चेंजेस भी करने की जरूरत तो नहीं पड़ी क्योंकि फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। तो मेकर्स ने अनिल कपूर को इसलिए रोल के लिए परफेक्ट समझा क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने काफी ऐसी फिल्म्स में काम किया है, जैसे कि रेस फिल्म की सीरीज में भी, फॉर 24 जैसे एक्शन थ्रिलर सीरियल में भी उनके। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख। कौन है बिरोल टाकन यिल्डिज? किन एक्ट्रेसेस के साथ लिंक हो चुका है ऋतिक का नाम? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड के चुनिंदा एक्शन हीरो में से एक ऋतिक रोशन आजकल अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर जमकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। उन्हें हाल ही में एक्ट्रेस सबा आजाद के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया था। वो सबा का हाथ थामे हुए नजर आए थे और बस इसके बाद से ही ऋतिक से सबा को डेट करने की खबरें मीडिया पर वायरल हो गई। और ऐसा ऋतिक के साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उनके करियर के शुरुआती दिनों से ही उनका नाम बॉलीवुड के कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, जिनमें बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान, न्यूली मैरिड कैटरीना कैफ कौशल, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रानावत और अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन जैसे पॉपुलर और नामी लोगों के नाम शामिल हैं। खबरों की माने तो ऋतिक ने कंगना रानावत से दूरियां श्वेता बच्चन के कहने पर ही बनाई थी। कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम लिंक होने वाले ऋतिक ने साल 2000 में सुजैन खान से लव मैरिज की थी और ये दोनों एक लंबे समय तक साथ भी रहे थे, लेकिन अपने लगातार दूसरी एक्ट्रेसेस से लिंकअप होने की खबरों के चलते उनकी वाइफ सुजैन ने उन्हें साल 2014 में डाइवोर्स दे दिया था। अब तब से ये दोनों अलग ही रह रहे हैं। अब ऋतिक की डेटिंग की खबरों को लेकर एक बार फिर पुरानी बातों को कुरेदना शुरू हो गया है। बात करें अगर ऋतिक के वर्क फ्रंट की तो वो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग फिल्म फाइटर में दीपिका पादुकोण सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म को लेकर एक नाम आजकल बहुत चर्चाओं में चल रहा है और वो नाम है बायरोन तर्कन यिल्डिज का। बायरोन तर्कन यिल्डिज टर्की के रहने वाले एक प्रोफेशनल कराटे आर्टिस्ट हैं और इसके साथ ही वो एक्शन सीन्स और स्टंट करने में भी खूब माहिर हैं। खबर है कि वो फिल्म के लिए ऋतिक को कराटे और कुछ शानदार स्टंट्स की ट्रेनिंग देंगे और इतना ही नहीं बल्कि बायरोन फिल्म में खुद भी किसी रोल में अपने शानदार एक्शन मूव्स को दिखाते नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि ऋतिक इस फिल्म के लिए पहले से भी एक्शन सीन्स और स्टंट परफॉर्म करने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। उनकी ये फिल्म अगले साल 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख। ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। कोई आखिरी ख्वाहिश? ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काम बन शुरू।
ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर कब होगी रिलीज? दीपिका ऋतिक रोशन के नाम से क्यों शर्मा गए और ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट डाला है? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने पहली बार किसी फिल्म के लिए एक साथ काम किया है। दोनों सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्म फाइटर में स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। और दोस्तों, ये फिल्म 26 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोस्तों, दीपिका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछे जाने पर ऋतिक के साथ काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा पर बैकलैश करते हुए बताया। उन्होंने ऋतिक के साथ अपने वर्क एक्सपीरियंस पर बात की है। दोस्तों, बता दें कि दीपिका ने कहा, मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सिर्फ चाहत की बात नहीं है पर कई और भी बातें होती हैं। सही स्क्रिप्ट, सही डायरेक्टर, आपकी जिंदगी का सही समय, कई चीजों के आधार पर फैसला लेना होता है। तो हाँ, ये हम दोनों के साथ आने का सही टाइम था। वहीं दोस्तों, ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की है। इसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ आनंद भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ऋतिक ने लिखा, ये गैंग उड़ान भरने के लिए तैयार है, #fighter। दोस्तों, बता दें कि अभी दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां रिलीज हुई है, जिसमें दीपिका पादुकोण के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे भी नजर आए हैं। फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है और इस फिल्म का इंतजार लोगों को बहुत बेसब्री से था, क्योंकि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है। ऐसे में इस मूवी का ट्रेलर फुल ऑन रोमांटिक था और दीपिका पादुकोण को सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ रोमांस करते इस ट्रेलर में देखा गया। ऐसे में हर किसी को फिल्म का इंतजार बेसब्री से था, क्योंकि दोस्तों फिल्म में दीपिका और अनन्या पांडे सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ फुल ऑन रोमांस करती नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर ने जितना लोगों का दिल जीता ना, शायद ये फिल्म उतना दिल नहीं जीत पाई है। एक ही फिल्म में 4 सुपरस्टार एक साथ नजर आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा थी और दीपिका को बहुत ही बोल्ड अंदाज में रोमांस करते हुए पहली बार किसी मूवी में देखा गया है। फिल्म गहराइयां शकुन बत्रा का निर्देशन है। इसमें कहानी उलझे हुए रिश्तों की है। दोस्तों, इस फिल्म में दीपिका पादुकोण की कहानी बहुत उतार चढ़ाव और मुश्किलों से भरी हुई है। उन्होंने बचपन से ही बहुत कुछ सहा है। और दोस्तों, बता दें कि दूसरी तरफ अनन्या पांडे को दिखाया गया, जिनकी लाइफ बचपन से ही बहुत अच्छी थी। उनकी एजुकेशन यूएस में हुई और वो बहुत रिच भी थी। और कमाल की बात है कि दोनों ही कजन सिस्टर्स भी। फिल्म में अनन्या की एंट्री सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ हुई है, जो कि उनके बॉयफ्रेंड थे और दोनों शादी भी करने वाले थे। ऐसे ही अनन्या के फादर सिद्धांत को अपना बिजनेस पार्टनर भी बना लेते हैं। उधर दोस्तों, दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण और धैर्य कालराज 6 साल से रिलेशनशिप में थे, पर दोनों ही स्ट्रगल भी कर रहे थे। दीपिका योगा ट्रेनर थी, वहीं दूसरी तरफ धैर्य बुक लिखता था जो पब्लिश नहीं हुई थी। ऐसे में चारों एक साथ एक ट्रिप पर जाते हैं। उसके बाद दीपिका और सिद्धांत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पर दोस्तों, इस फिल्म में सबसे ज्यादा सिद्धांत कंफ्यूज नजर आए। उन्हें दीपिका भी चाहिए थी और अनन्या को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। दोस्तों, ऐसे में फिल्म ओवरऑल बोरिंग थी। मतलब लोगों में जितनी उत्सुकता थी मूवी को देखने के लिए, लोग उतने ही ज्यादा इस फिल्म को देखने के बाद निराश नजर आए हैं। दीपिका की एक्टिंग लोगों का दिल जीत लेती है, क्योंकि दीपिका का 100% एफर्ट्स दिख रही हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीकेंड प्यार की कॉम्प्लेक्सिटीज की गहराइयों में डूबना चाहें तो दीपिका पादुकोण की इस फिल्म को एक चांस दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण के साथ इंटीमेट तस्वीर शेयर कर इंटरनेट की दुनिया में खलबली मचा दी है। इस तस्वीर में फिल्म स्टार रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ समंदर के किनारे बेहद रोमांटिक अंदाज में लिप लॉक करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि फोटो शेयर कर रणवीर सिंह ने कैप्शन में लिखा, डूबे हाँ डूबे एक दूजे में, यहाँ आगे लिखा, शानदार और जबरदस्त, क्या मास्टर क्लास फिल्म है बेबी, इतनी उम्दा, बारीक और दिल को छू लेने वाली अदाकारी, तुमने मुझे गर्वान्वित किया, इसमें तुमने अपना बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ दिया है, मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों, आपको बता दें कि रणवीर और दीपिका की पर्सनल लाइफ की ये सबसे बोल्ड और रोमांटिक फोटो है और ये कहना गलत नहीं होगा। इसी से पता चलता है कि वो फिल्म को देखकर और भी ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट से बताइए कि अगर आपने गहराइयां फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी है, साथ ही फाइटर फिल्म का आपको कितना इंतजार है, हमें कमेंट से बता दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। गौर से देखिए नाकाम है, इनमें न मरने का गम है न मौत का खौफ। हीरो ने क्या किया फिल्म के लिए? दीपिका को क्यों लेना पड़ा टाइम? डायरेक्टर क्यों नहीं है खुश? हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो की जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी फाइटर के साथ। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। ये मूवी एक बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद।
बात करें इस मूवी की कास्ट की तो फिल्म में नजर आने वाले हैं अनिल कपूर और ऋतिक रोशन, और फिल्म की लीड एक्ट्रेस की रोल में नजर आने वाली हैं हम सभी के चहेती दीपिका पादुकोण। और जैसा कि आप सभी अनिल कपूर को जानते ही हैं कि उन्होंने इंडियन सिनेमा में एक अपनी अलग पहचान बनाई है और उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म में देखने के लिए। और आपको बता दें कि अनिल कपूर फिल्म में बड़े पर्दे पर काफी टाइम बाद नजर आने वाले हैं और उन्होंने फिल्म के रोल के लिए खुद को शेव किया है और अपने चेस्ट में टैटू भी निकाला है ताकि वो कैरेक्टर के लिए पूरी तरह जोन में आ जाएं। और बात करें फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण की तो फिल्म के लिए दीपिका ने शूट के दौरान काफी ज्यादा वक्त लगाया था शूट स्टार्ट करने के लिए, और उसकी वजह ये थी कि फाइटर फिल्म में उन्हें एक चाहिए थे स्लिम बॉडी, और जिसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा डाइटिंग की थी और शेप में लाने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त भी लग गया था। और आपको बता दें कि फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन से ना खुश है फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जिसकी वजह यह है कि ऋतिक रोशन उनकी अपकमिंग मूवी विक्रम वेदा की शूट के लिए बीच बीच में जाया करते हैं और फाइटर की शूट को भी विक्रम वेदा की वजह से डिले करनी पड़ जा रही है। फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स एंड शॉकिंग न्यूज हम आप तक जल्दी पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज है ये हमें कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख। हीरोइन का क्या है कहना, डायरेक्टर ने किसका नहीं माना कहना, फिल्म में दिखेगा किसका नया चेहरा। हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रैश स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी फाइटर के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। ये मूवी एक बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। बात करें इस मूवी की कास्ट की तो फिल्म में नजर आने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और अनिल कपूर, और फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आने वाली हैं हम सभी की चहेती दीपिका पादुकोण। और फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली ये जाहिर किया है कि वो फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म की स्क्रिप्ट भी उन्होंने पढ़ ली है जो उनको बेहद ज्यादा पसंद आई है। उनका कहना यह है कि वो फिल्म में एक नया एक्सपीरियंस लेने वाली हैं जहां उनको ढेर सारे करने पड़ेंगे स्टंट्स जो उन्होंने कोई पिछली फिल्म में नहीं किए हैं, और उनके लिए एक बेहतरीन मौका है जो नया कर दिखाने का। और यहाँ बात करेंगे फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन और फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की, तो ऋतिक रोशन ने सिद्धार्थ आनंद से कुछ सीन्स की चेंजेस की मांग की थी पर सिद्धार्थ आनंद ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी क्योंकि इससे स्क्रिप्ट में काफी ज्यादा चेंजेस हो सकते थे जिससे मेन सीन्स में भी गड़बड़ हो सकती थी। ऋतिक रोशन सिद्धार्थ आनंद की बात को समझ गए और इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक को आगे नहीं छेड़ा और स्क्रिप्ट को वैसे का वैसा ही रहने दिया। फिल्म में एक नया चेहरा भी सामने आ सकता है जहां फिल्म में एक नए तमिल टीन हीरो की एंट्री होगी जहां वो एक छोटा रोल निभाएंगे जो भी वो एक टीन लड़के का किरदार निभाएंगे। फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स एंड शॉकिंग न्यूज हम आप तक जल्दी पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज है ये हमें कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जाते कैसा था क्रिश 3 में कंगना का रोल, कितने दिनों में बनी थी ये रबड़ की ड्रेस, क्या काया से ही इंस्पायर्ड होगा वंडर वुमन का किरदार। Hello and welcome to Bollygrad Studios. This is your host Palak and we are back with another interesting video. So let's get started without any delay. Krish 4 के आने की न्यूज ऑलरेडी आउट हो चुकी है और लोगों को ऋतिक की वो पोस्ट देखने के बाद फिल्म से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। सभी जल्द से जल्द फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है फैंस की रिक्वेस्ट पर क्रिश और वंडर वुमन के साथ लाने की बात चल रही है, और क्रिश 3 में भी ऐसा ही एक लेडी है जिसे देखकर लोग शॉक रह गए थे। बता दें कि लोगों को क्रिश 3 का ट्रेलर देखने के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदें कंगना रनौत के किरदार से ही थी। कंगना रनौत ने क्रिश 3 में एक सुपर वुमन का किरदार निभाया था और उसके किरदार का नाम था काया। कंगना रनौत का किरदार आधा इंसान और आधा जानवर था। अब इस किरदार को निभाने के लिए कंगना ने काफी मेहनत भी की थी।
इस किरदार के लिए जो ड्रेस डिजाइन की गई थी वो बहुत ही ज्यादा टाइट और बहुत ही लेटेक्स रबर से बनी हुई थी। इस ड्रेस को पहनकर शूटिंग करने में कंगना को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी और उन्हीं सारी मुश्किलों को झेलकर कंगना आगे बढ़ी। खुद ड्रेस डिजाइनर गोविंद ने कहा था कि कंगना रनौत ने जो सूट पहना है उसे पहनकर शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि ये ड्रेस बॉडी से एकदम चिपकी रहती थी और रबर से बने होने की वजह से काफी गर्म भी थी। लेकिन इसके बावजूद कंगना ने इस ड्रेस को पहनकर शूटिंग की और सभी को हैरान कर दिया। कंगना के लिए ये फिल्म काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस फिल्म से कंगना रनौत के करियर को भी अच्छा ब्रेक मिला था। इसलिए कंगना ने अपने किरदार को निभाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। कंगना ने सुपर वुमन दिखने के लिए हर संभव कोशिश की थी। क्रिश 3 के ट्रेलर के बाद जो सराहना मिली थी कंगना वाकई उसके लायक भी थी। बता दें कि कंगना रनौत ने क्रिश 3 में जो ड्रेस पहनी थी उससे बनाने में पूरे 45 डेज का टाइम लगा था, वो भी 25 अलग अलग डिजाइन देखने के बाद आखिरकार ये सूट को सिलेक्ट किया गया। अब इस ड्रेस को डिजाइन किया था डिजाइनर गोविंद ने और राकेश रोशन ने इसे सूट बनाने के लिए डिजाइनर को हेल्प भी किया था। उनकी मदद से ही गोविंद इस सूट को बना पाए। अब एक बार ऐसा ही और रबड़ का सूट तैयार किया जा रहा है, वो भी क्रिश 4 में पहनने के लिए। लेकिन अफसोस है कि वो सूट पहनने का मौका कंगना को नहीं मिलेगा बल्कि हॉलीवुड के वंडर वुमन को मिलेगा। हालांकि जब दो सुपर फिल्म मर्ज होती हैं तो उस वंडर वुमन को अपनी कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्या है दीपिका की मन की बात? ना तो नंबर क्या है फिल्म की कहानी? आखिर क्या होगा सस्पेंस? हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी फाइटर के साथ। दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। फाइटर फिल्म एक अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में आप सभी को ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण लीड रोल्स में नजर आते हुए दिखाई पड़ेंगे और ये दोनों बॉलीवुड में पहली बार फिल्म में साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं। और आपको बता दें कि हाल ही हुए इंटरव्यू में दीपिका ने आखिर फिल्म को लेकर चुप्पी तोड़ ही दी और आखिर अपनी मन की बात बोल ही दी। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहना है दीपिका का फिल्म के हीरो के बारे में और फिल्म के बारे में। तो उनका कहना ये है कि उन्हें हमेशा से ही इच्छा रही थी ऋतिक रोशन के साथ काम करने की और उनको ऐसा लगता है कि यही ही सही वक्त है ऋतिक के साथ काम करने का और एक नया एक्सपीरियंस लेने का। तो जाहिर है कि दीपिका इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है और अब देखना यह है कि क्या रंग लाती है इन दोनों की जोड़ी फिल्म में। और फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होगी जहां ऋतिक एक पायलट का किरदार निभाएंगे और दुश्मनों का सामना करेंगे भारत को जिताने के लिए। और वहीं दीपिका पादुकोण की बात की जाए तो फिल्म में दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन यानी कि पायलट के वाइफ का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी और साथ ही साथ वो एक रिपोर्टर रहती हैं जहां वो जंग की अपडेट्स न्यूज चैनल में सभी देशवासियों को देती रहेंगी। तो है ना दोस्तों ये दोनों के लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। और सुनने में आ रहा है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में ऋतिक रोशन की हो सकती है मौत, पर ऋतिक रोशन की कुर्बानी नहीं जाएगी खाली क्योंकि उनकी वाइफ यानी कि दीपिका पादुकोण को काफी ज्यादा सम्मान और इनाम दिया जाएगा। ऐसी ही चटपटी और अनसुनी कहानियों को हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज हैं ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर। गौर से देखें नाकाम है, इनमें न मरने का गम है ना मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। कैसे होने वाली है फाइटर बाकी एक्शन फिल्म से अलग? आखिर क्यों गई थी फाइटर की एक्ट्रेस दीपिका डिप्रेशन में?
ऋतिक रोशन के साथ एक बार फिर कौन सी एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में एक बार फिर मशहूर एक्शन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन और नई एक्शन फिल्म। ये फिल्म एक्शन फिल्म लवर्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है, और इसके खास होने का कारण है कि ये फिल्म भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म होगी। इससे पहले भारत में अभी तक कोई भी एरियल एक्शन फिल्म नहीं बनाई गई है। इस फाइटर फिल्म को एक अनोखी और भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म बनाने का आइडिया सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्म के दीवाने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का था। सिद्धार्थ अक्सर अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्म के लिए जाने जाते हैं, और उनकी ज्यादातर फिल्म हॉलीवुड की फिल्म से इंस्पायर्ड होती है। इस फिल्म में आपको भारत की और एक्शन फिल्मों की तरह नॉर्मल एक्शन सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इस फिल्म में आपको हवा में स्टंट्स और एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इस फिल्म में कुछ एक्शन सीन्स एरोप्लेन पर शूट किए जाएंगे। इस फिल्म में दर्शकों को एक्शन सीन्स का एक जबरदस्त पैकेज देखने को मिलेगा, और जब सिद्धार्थ आनंद जैसा डायरेक्टर हो तो फिल्म के एक्शन सीन्स तो कमाल के ही होते हैं। खबर है कि सिद्धार्थ आनंद फाइटर फिल्म के बाद अपनी दूसरी एक्शन फिल्म सीरीज वॉर का सीक्वल बनाने की तैयारी में है। जल्द ही सिद्धार्थ ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि वो जल्द ही ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर का सीक्वल बनाएंगे, और उसका नाम होगा वॉर 2। हालांकि अभी तक इस फिल्म के कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जहां तक अनुमान है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म का हिस्सा जरूर होंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ फीमेल लीड रोल में किसे लेंगे, फिल्म वॉर की पहली सीरीज में काम कर चुकी वाणी कपूर को, या फिर फाइटर और पठान की हीरोइन दीपिका पादुकोण को। वेल, बात दीपिका की आई है तो ये तो आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक दीपिका पादुकोण कुछ साल पहले डिप्रेशन का शिकार हुई थी। दरअसल दीपिका अपने फिल्मी कैरियर में जितना अच्छा कर रही थी, उतनी ही या उससे ज्यादा समस्याएं वो अपनी लव लाइफ में फेस कर रही थी। अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर से अनबन होने के चलते दीपिका पादुकोण डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, और उनका उनके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी हो गया था। दीपिका बहुत परेशान रहने लगी थी, तभी एक अवार्ड शो में वो रणवीर से मिली और उन दोनों की थोड़ी बातचीत शुरू हो गई, और फिर धीरे धीरे वो करीब आते गए, और रणवीर ने दीपिका को डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत मदद की। अब इस ब्यूटीफुल जोड़ी ने शादी कर ली है और दोनों साथ ही मुंबई में रहते हैं। तो दोस्तों, आपके सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। ऋतिक रोशन कैसे है एक कंप्लीट हीरो? क्या फाइटर होने वाली है इंडिया की पहली एरियल एक्शन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जेआर। दोस्तों, सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन फिल्म वॉर की अपार सफलता के बाद एक बार फिर से ऑन स्क्रीन पार्टनर बनने को तैयार है एक्शन ड्रामा फिल्म फाइटर के साथ। एक इंटरव्यू में निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक के बारे में काफी ऐसी बातें की और बताया कि वो बेस्ट हीरो कैसे हैं। ऋतिक के बारे में आनंद ने कहा कि वो एक कंप्लीट हीरो है। सच में एक निर्देशक अपने अभिनेता से और कुछ नहीं मांग करता। जो ऋतिक आपको नहीं दे सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको वास्तव में खुद को चैलेंज करना होता है, हर बार कुछ नया लेकर आना होता है, तभी सेट पर उनकी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से चाहता था। और सिद्धार्थ आनंद ने यह भी बताया कि हमेशा से मैं एक निर्देशक बनना चाहता था और ऋतिक रोशन के साथ काम करना चाहता था। मैं सिर्फ उनके साथ काम कर सकूं, या यहां कहिए कि मेरे विचारों को उनके सामने रख सकूं, ये मेरा सपना सा होता था। सिद्धार्थ ने आगे कहा, ऋतिक में एक छिपा हुआ फिल्म मेकर है और वो फिल्म के व्यापक परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। वही जब आप
उनके साथ दो हीरो वाली फिल्में करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि फिल्म को मजबूत कैसे किया जाए उस दिशा में काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो खुद को आखिरी में रखते हैं। किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी होती है। ऋतिक रोशन ने सिद्धार्थ के साथ फाइटर पर काम करने की बात पर कहा कि वो बेहद रोमांचक है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक सेट पर वापस आना जहां सिड यानी कि सिद्धार्थ आनंद हो, ये एक अलग ही बात है और वॉर से भी बेहतरीन ही हम कुछ करने वाले हैं। इस बात ने मुझे इस एंजाइटी से रूबरू कराया कि वो इसीलिए क्योंकि अच्छा किया जा चुका है और साथ ही बेहतर करने की दिशा में हम हैं। मतलब कि उनका कहना था कि वॉर जैसी बड़ी फिल्म हम कर चुके हैं, अब साथ में एक फिल्म देंगे तो एक बहुत बड़ा पब्लिक का एक्सपेक्टेशन भी होता है, हमें उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी फाइटर होगी और हो सकता है कि ये बहुत सारे पार्ट्स में बने अगर पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा आया। इसमें पहली बार आपको दीपिका नजर आएंगी ऋतिक रोशन के अपोजिट और तैयार हो जाइए 2023 में रिपब्लिक डे के मौके पर आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी। आपको कैसे लगते हैं ऋतिक रोशन और कितना इंतजार? गौर से देखिए ना काम है, इनमें ना मरने का काम है ना मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में क्या होगी फिल्म फाइटर क्लैश रणबीर और श्रद्धा की फिल्म के साथ? क्या कामयाब होगी दीपिका और ऋतिक की पहली कोलैबोरेशन? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। मैं पलक आज आपसे कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिल्म फाइटर से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में कुछ नया कुछ खास देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में, तो आपको अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है, मेरे साथ शुरू हो जाना है। साल 2023 में रिपब्लिक डे के दिन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बॉलीवुड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक अपडेट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अनटाइटल्ड फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी। सोचिए दोस्तों, एक तरफ दीपिका ऋतिक और दूसरी तरफ श्रद्धा रणबीर कपूर, मतलब सब से सब इतने धांसू एक्टर और ऊपर से इन सब की हाई फैन फॉलोइंग। सुनकर ही बस इस क्लैश के बारे में फैंस के दिलों में हलचल होने लगी। वही ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने पोस्ट में लिखा, ऋतिक वर्सेस रणबीर, एक और बड़ी क्लैश कंफर्म, फाइटर वर्सेस लव रंजन अनटाइटल्ड फिल्म, जंग में कौन पड़ेगा भारी, कौन मारेगा माजी। तुरंत हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि फिल्म से जुड़ी सबसे पहली खबर सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने को मिले। वहीं आपको बता दें कि ऋतिक और दीपिका की पहली कोलैबोरेशन है और साथ ही इस बात पर कोई डाउट नहीं कि ये जोड़ी देखने के फैंस जरूर जाएंगे और इसलिए डायरेक्टर ने भी काफी सोच समझ के ही दोनों को लिया। कहीं ना कहीं डायरेक्टर भी जानते हैं कि दोनों की फर्स्ट कोलैबोरेशन देखने के लिए फैंस तो तिलमिला रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की केमिस्ट्री और दोनों साथ में क्या धूम मचाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ऋतिक इससे पहले सिद्धार्थ आनंद के साथ 2019 की फिल्म वॉर में टाइगर और वाणी कपूर के साथ काम करते नजर आए थे। इस साल जनवरी में ऋतिक रोशन के बर्थडे पर प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। एक टीजर शेयर करके इस प्रोजेक्ट के साथ अपने एसोसिएशन की घोषणा करते हुए एक्टर ने ट्वीट किया, प्रेजेंटिंग अ ग्लिम्स ऑफ माफ्लिक्स वर्जन एज फाइटर, दीपिका पादुकोण के साथ मेरी पहली उड़ान की इंतजार कर रहा हूँ। लव रंजन के ऑफिस के बाहर एक्ट्रेस की फोटो खिंचवाने के बाद पहले ही दीपिका पादुकोण को लव रंजन की फिल्म में कास्ट किए जाने की खबरें थी। हालांकि अब इस फिल्म में श्रद्धा कपूर भी नजर आने वाली है। लव रंजन को प्यार का पंचनामा सीरीज के निर्देशन के लिए काफी जाना जाता है। उन्होंने 2018 की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी को भी निर्देशन किया था जो कि बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ रही। उन्होंने अजय देवगन की दे प्यार दे को भी निर्माण किया था। गाइस, अब एंड में आपको किसकी फिल्म का ज्यादा इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं पलक आपसे विदा लेना चाहूंगी, फिर मिलूंगी आप। कौन है आप?
सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। क्या होने वाला है फाइटर फिल्म का टॉपिक? कैसे तोड़े फाइटर फिल्म ने शूटिंग शुरू होने से पहले रिकॉर्ड? किस आउटफिट में करने गई थी दीपिका पादुकोण फाइटर की कास्ट और क्रू से मीटिंग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर 2023 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को रिलीज होगी। निर्माता वाईकॉम 18 स्टूडियो ने ये घोषणा की थी। भारतीय वायुसेना के सम्मान में बनी इस फिल्म में ऋतिक एक एस पायलट की भूमिका में होंगे। फाइटर सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और अजीत अंधारे वाईकॉम 18 स्टूडियो, ममता आनंद, रेमन चिब और अंकु पांडे द्वारा निर्मित होगी। इसे भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी के रूप में जाना जा रहा है। बॉलीवुड के दिल की धड़कन ऋतिक रोशन ने अपने 47th बर्थडे पर दीपिका पादुकोण के साथ फाइटर नाम की एक एक्शन एंटरटेनर की घोषणा कर अपने प्रशंसकों को सरप्राइज दिया था, जबकि हर प्रशंसक इसके रोल आउट होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिल्म के बारे में लेटेस्ट अपडेट फिल्म के बजट के बारे में है, जो कि 250 करोड़ का है। ये फिल्म को बी टाउन में बनी अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाती है। फिल्म फाइटर सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित होगी और 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। सुनने में आया है कि सिद्धार्थ और ऋतिक कुछ समय से फाइटर बनाने की योजना बना रहे हैं। वास्तव में ये एक ऐसा विषय है जिस पर वो वॉर से पहले सहयोग करने वाले थे। ये एक बड़े पैमाने पर एक्शन थ्रिलर है जिसमें ऋतिक अपने करियर में पहली बार एक वायुसेना पायलट का किरदार निभा रहे हैं। सिड ने बड़े पैमाने पर कहानी की कल्पना की है जिसमें वास्तविक लड़ाई के दृश्य पीछे और बहुत कुछ है, जो नेशनलिज्म, रोमांस और भावनाओं के साथ एक जबरदस्त कहानी होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा, सिड इसे 250 करोड़ रुपए के बजट में बनाने की योजना बना रहे हैं, जिससे ये बॉलीवुड की सबसे महंगी और सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक बन जाएगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले कुछ समय से भारतीय वायुसेना की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर एक्शन थ्रिलर नहीं देखा है, और यही वो जगह है जिसे ऋतिक और सिड तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण को निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के कार्यालय के बाहर देखा गया, जो हल्के धुले हुए डेनिम के साथ एक लंबी सफेद पोशाक और एक विशाल बेज बैग और सफेद कॉन्वर्स उच्च शीर्ष स्नीकर्स पहने हुए थी। उनका मेकअप सिंपल था, जिसमें उनके बाल सेंटर पार्टेड नीट लोबन में थे और उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था। हम दीपिका पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सबसे असामान्य अनोखे कपड़ों को एक साथ स्टाइल करें और इसे फैशनेबल बनाएं। ये मीटिंग ऋतिक रोशन के साथ उनकी आगामी फिल्म फाइटर के लिए आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दीपिका और ऋतिक को बड़े पर्दे पर देखने के लिए हमें कम ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। किस बात के लिए मारूं? बोल। कौन देगा फाइटर में एक्शन सीन्स के लिए ऋतिक को ट्रेनिंग? फिल्म फाइटर में कौन कराटे फाइटर आएगा नजर? एयरपोर्ट पर किस लुक में नजर आए ऋतिक रोशन? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर को लेकर इस समय चर्चाओं में है। ऋतिक रोशन पहली बार इस फिल्म फाइटर के जरिए दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। इससे पहले कभी भी ऋतिक रोशन ने और दीपिका पादुकोण ने साथ में कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया था। ये जोड़ी बॉलीवुड की एकदम न्यू और फ्रेश जोड़ी है। इस जोड़ी को साथ में बड़े स्क्रीन पर लाने का पूरा श्रेय इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को जाता है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के फैंस उनकी इस फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड है और वो फाइटर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म फाइटर इज अ एरियल एक्शन फिल्म। अब भाई, एक्शन फिल्म है और उसमें ऋतिक रोशन भी है, तो ये तो बहुत क्लियर है कि इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। और एक्शन सीन्स शूट करने के लिए पहले एक्शन सीन्स की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, जिससे कि एक्टर हर्ट ना हो और सीन सफाई से पोर्ट्रे किए जा सके। फाइटर फिल्म में कुलदीप शशि ऋतिक रोशन को ट्रेनिंग दे सकते हैं, और इसके साथ ही इस फिल्म में एक जाने माने एक्टर और कराटे फाइटर बिरोल तर्कन इल्डिस भी नजर आ सकते हैं।
और बिरोल भी ऋतिक को कुछ एक्शन सीन्स के लिए ट्रेनिंग देंगे। बिरोल टर्कन इल्डिस कई बार कई जगह की कराटे चैंपियनशिप्स भी जीत चुके हैं। हाल ही में फाइटर फिल्म के लीड एक्टर ऋतिक रोशन को एयरपोर्ट पर देखा गया था। ऋतिक रोशन एयरपोर्ट पर काफी कैजुअल लुक में नजर आए। ऋतिक ने ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ बादामी कलर का ट्राउजर और ऑलिव ग्रीन कलर की जैकेट पहन रखी थी। ऋतिक कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रेड गॉगल के साथ मास्क भी लगाए थे। ऋतिक के साथ उनके दोनों बेटे भी थे और वो मुंबई से बाहर कहां गए हैं और वो किस फिल्म के सिलसिले में गए हैं या बच्चों के साथ वेकेशन मनाने गए हैं, इस बात की अभी तक कोई खबर नहीं। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं ऋतिक? ज़्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? I understand. किस फिल्म में हस्बैंड के साथ काम करेगी दीपिका? सिद्धार्थ आनंद की पहली फिल्म से किस प्रकार अलग होगी फिल्म फाइटर? बिग बी के साथ कितने साल बाद रीयूनाइट करेगी दीपिका? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में एक्शन फिल्म डायरेक्टर के नाम से मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद एक बार फिर तैयार है अपनी अपकमिंग एरियल एक्शन फिल्म फाइटर से बॉलीवुड में सबके होश उड़ाने के लिए। जाने माने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बॉलीवुड में फिल्म डायरेक्शन की शुरुआत साल 2005 में फिल्म सलाम नमस्ते से की थी, जिसमें सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, अरशद वारसी और जावेद जाफरी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। सिद्धार्थ की ये पहली फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की थी। और अगर अब बात करें सिद्धार्थ आनंद की हाल ही की कुछ पिछली फिल्मों की, तो साल 2014 से सिद्धार्थ ने बैक टू बैक दो बड़ी हिट एक्शन फिल्में दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी, लेकिन आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने जीवन साथी के साथ एक फिल्म में काम करती नजर आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दीपिका और रणवीर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर ये है कि इस कपल ने साथ में एक फिल्म साइन की है। इस फिल्म का नाम 83 होगा। ये फिल्म जाने माने क्रिकेटर कपिल देव की बायोपिक होगी, जिसमें दीपिका के हस्बैंड यानी रणवीर सिंह क्रिकेटर कपिल देव का रोल निभाते नजर आएंगे और उनके साथ दीपिका पादुकोण कपिल देव की पत्नी रोमी देव का रोल निभाते नजर आएंगी। दीपिका और रणवीर स्टारर इस फिल्म को बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में अंत में कपिल देव गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। वैसे बॉलीवुड में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं और हजारों कलाकार उन फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी कई साल तक कलाकारों को साथ में काम करने का मौका नहीं मिल पाता। बहरहाल कलाकारों का किसी फिल्म में रीयूनाइट कर पाना बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। खबर आ रही है कि बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन करीब 6 साल बाद एक फिल्म के जरिए फिर से रीयूनाइट करके काम करने जा रहे हैं। अमिताभ और दीपिका की इस फिल्म का नाम द इंटर्न होगा। दीपिका एक बार फिर से बिग बी के साथ काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं हमारी बॉलीवुड क्वीन दीपिका पादुकोण को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए हमारे। क्यों है फाइटर फिल्म दीपिका पादुकोण की फेवरेट फिल्म? क्या मिलेगा फाइटर फिल्म को एक इंटरनेशनल रिलीज? क्या अलग होने वाला है फाइटर फिल्म में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर की। क्या होगा जब बॉलीवुड के दो सबसे बड़े स्टार साथ एक फिल्म करेंगे? हम बताते हैं आपको ऐसे में क्या होगा। ऐसे में होगा धमाका। तो कौन है ये दोनों स्टार्स? ये दोनों स्टार्स हैं ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म फाइटर लंबे वक्त से चर्चा में है। इस फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को किसी बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। इतना ही नहीं, इस बीच फिल्म को लेकर एक और अपडेट सामने आई है और वो ये है कि इस फिल्म में होने वाला है कुछ हटके और वो होगा एरियल एक्शन सीन्स। जी हाँ, ये भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी बनने जा रही है। इस साल अपने जन्मदिन पर ऋतिक रोशन ने एक टीजर और एक ट्वीट साझा करके इस प्रोजेक्ट के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा की, जिसमें लिखा था, फाइटर के रूप में मार्फ्लिक्स की एक झलक प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
असाधारण दीपिका पादुकोण के साथ मेरी पहली उड़ान का इंतजार कर रहा हूँ। हम सब इस सिद्धार्थ आनंद जॉयराइड के लिए कमर कस चुके हैं। इस फिल्म की घोषणा होते ही फैंस खुशी से भर गए, और आखिर हो भी क्यों ना। आखिर ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे बड़े और गुड लुकिंग एक्टर्स में से एक है, और इस फिल्म में सिर्फ वो ही नहीं बल्कि दीपिका भी उनके साथ होने वाली है। दीपिका को भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे पसंदीदा और सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में जाना जाता है, और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें हाल ही में युवाओं के बीच देश की सबसे बड़ी रोल मॉडल में से एक बना दिया है। और दीपिका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि फाइटर फिल्म उनकी ड्रीम फिल्म है। दीपिका पादुकोण अब एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं, और ऋतिक रोशन भी दुनिया के सबसे हैंडसम मर्दों की लिस्ट में कई बार आ चुके हैं, और इसलिए हो सकता है कि इस फिल्म को एक इंटरनेशनल रिलीज मिले। फिल्म फाइटर का ऐलान ऋतिक के जन्मदिन के दिन डायरेक्टर ने किया था, तब से फिल्म चर्चा में है। इस फिल्म को लेकर हर रोज कोई ना कोई अपडेट सामने आ ही जाता है। एक्शन थ्रिलर बेस्ड इस फिल्म में ऋतिक हाई वोल्टेज एक्शन और एरियल स्टंट करते नजर आएंगे। ऋतिक का किरदार एयरफोर्स ऑफिसर का होगा। दीपिका इस फिल्म में क्या रोल प्ले करेंगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फाइटर भारतीय सेना के साहस, बलिदान और देशभक्ति के प्रति समर्पित फिल्म बताई गई है। फिल्म भारत के अलावा और देशों में अलग अलग लोकेशंस पर शूट की जाएगी। रिपोर्ट की माने तो ये फिल्म 250 करोड़ के भारी बजट के साथ बनाई जा रही है। वहीं मेकर्स इसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने का प्लान किए हुए हैं। इसे हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। भाई हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म जब भी रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं ऋतिक और दीपिका की इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देख। फाइटर के एरियल एक्शंस, क्या ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी तोड़ सकती है रिकॉर्ड्स? तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आ चुकी फिल्मों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बेस्ड है अपकमिंग फिल्म फाइटर पर। दोस्तों ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज से तो काफी दूर है, लेकिन पब्लिक के बीच ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, बीच आर में काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की जोड़ी को लेकर, तो फाइनली ये सच हो गई है और फिल्म फाइटर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। तो ये फिल्म कुछ रीजन के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। पहला तो ये कि इसमें पहली बार मेगा स्टार्स ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एक साथ दिखेंगे, और फैंस एक नई सिजलिंग जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन में देखने के लिए तो बहुत ज्यादा बेताब है। दूसरी बात ये कि ये फिल्म बॉलीवुड की फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म होने वाली है। जी हाँ, बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी इससे पहले इस जॉनर की मूवी नहीं बनी है। फिल्म के को प्रोड्यूसर अजित अंधराय ने भी कहा कि ये एरियल एक्शन फिल्म व्यूअर्स को एक अलग ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाली है, जो फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। तो क्या है एरियल एक्शन फिल्म, ये सवाल सबके मन में जरूर उठा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म ऐसी होती है जिसके एक्शन सीन्स हवा में शूट की जाती है, जिसका सीधा मतलब यही है कि फिल्म के एक्शन सीन्स किसी ड्रोन या हेलीकॉप्टर के माध्यम। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ना तो इनमें मरने का गम है, ना मौत का खौफ।
कैसे बनेगी फाइटर पहली एरियल एक्शन मूवी? क्या फाइटर से पहले भी यूज हुई है ये टेक्निक? आखिर कैसे हैट्रिक मारेंगे ऋतिक? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन और बाजीराव की मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण इतना ही नहीं दोस्तों, फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी बेहद खास है क्योंकि ये इंडिया में बनने वाली पहली एरियल एक्शन मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पहली एरियल एक्शन मूवी। एक्शन थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म में ऋतिक हाई वोल्टेज और एरियल स्टंट्स करते दिखाई देने वाले हैं, जिसके दोस्तों सिर्फ अनाउंसमेंट ने ही फैंस को दीवाना बना रखा है। ऐसे में फैंस बड़ी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। दोस्तों, लेकिन इसी बीच ऑडियंस में शामिल कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात का मतलब नहीं पता कि आखिर ये एरियल एक्शन क्या है, क्यों इसकी इतनी चर्चा है और आखिर इसमें क्या अलग होगा। शायद आप में से भी कई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो चलिए दोस्तों हम आपको इस बारे में आज की इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, एरियल एक्शन फिल्म का मतलब है ऐसी फिल्म जिनको आसमान में फिल्माया जाता है। नहीं दोस्तों, आसमान में दिखाने का मतलब ये नहीं कि पूरी फिल्म में ही दूसरे प्लैनेट जैसे हालात रहेंगे जहां ग्रेविटी ही नहीं हो। इसका मतलब ये है कि अब चूंकि ये एक हाई वोल्टेज एक्शन फिल्म है तो इसके एक्शन सीन्स को ऊपर आसमान में शूट किया जाएगा। अरे दोस्तों, ये कुछ वैसे ही होगा जैसे कि आपने इससे पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी और रेस 2 में देखा होगा। रेस 2 जैसी फिल्मों में ये सेम चीज दिखाने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि फाइटर इस टेक्निक को यूज करने वाली पहली फिल्म कैसे हुई, तो बता दें दोस्तों कि इन फिल्मों में ऐसे सीन्स के लिए VFX का सहारा लिया गया था, जबकि फाइटर जैसी एरियल एक्शन फिल्म में फाइटर प्लेन या बाकी कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर फिल्म की पूरी शूटिंग की जाती है। इसका साफ नजारा आप फाइटर में देख सकेंगे। दोस्तों, वहीं अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित ये फिल्म इंडियन आर्मी के कभी न भूल पाने वाले स्ट्रगल्स, सैक्रिफाइसेस और देशभक्ति को एक फिक्शनल स्टोरी के जरिए दिखाने वाली है। फिल्म की शूटिंग इंडिया के तो कई पार्ट्स में होगी, जबकि दोस्तों इसके अलावा भी इसे कई बाकी देशों में शूट किया जाएगा। अब दोस्तों बता दें कि फिल्म में ऋतिक और दीपिका जैसे स्टार्स पहली बार साथ आ रहे हैं, तो इसके बजट के छोटे मोटे होने की उम्मीद तो करना ही गलत होगा। बता दें कि इस फिल्म का बजट फिलहाल 250 करोड़ रुपए की सेट किया गया है, जिसे फिल्म के मेकर्स पैन इंडिया बेसिस पर इसे कई लैंग्वेजेस में बनाने और रिलीज करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के बहुत ही फेमस क्रिटिक तरण आदर्श ने एक ट्वीट के जरिए फाइटर को लेकर एक खास अनाउंसमेंट की थी। दोस्तों, फिल्म पिछले कई महीनों से चर्चा में थी, लेकिन कोई भी इस फिल्म को लेकर कोई बात पक्की नहीं कर रहा था। उस समय दोस्तों हमारा ही एक चैनल था जो अपनी बात पर टिका रहा और आपको बताया कि ये फिल्म बन रही है। हालांकि इसके बाद तरण आदर्श के एक ट्विटर कंफर्मेशन के बाद फिल्म एक बार फिर काफी न्यूज में आ गई और दोस्तों तरण ने ट्वीट कर बताया था कि ये फिल्म इंडिया में बनने वाली पहली एरियल एक्शन फिल्म होगी। खैर छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली ये खबर सारे में फैल चुकी है और फैंस भी आस लगाए बैठे हैं कि आखिर कब तक उन्हें ऋतिक और दीपिका की ये फ्रेश पेयरिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, भले ही दीपवीर अपने रणवीर और दीपिका ऑफ स्क्रीन बेस्ट कपल में से एक हो, लेकिन दोस्तों ऑडियंस अब उन्हें अलग अलग स्टार्स के साथ देखना चाहती है। वहीं डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक इस फिल्म के पहले बैंग बैंग और वॉर जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं, जबकि ये उनकी तीसरी फिल्म होने वाली है। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था और ताबड़तोड़ कमाई की थी। ऐसे में पूरी इंडस्ट्री में इस समय इस फिल्म के साथ हैट्रिक मारने की न्यूज बड़ी जोरों पर है और हर किसी को फाइटर से काफी उम्मीदें हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली बार आखिर ये एरियल एक्शन की टेक्निक किस फिल्म और किस स्टार द्वारा यूज की गई? गौर से देखिए, नाकाम है। इनमें न मरने का गम है न मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में तुझे अपनी मौत नजर आएगी। कुछ याद है? आखिर क्या होने वाली है फिल्म फाइटर की थीम? जानिए कैसे चल रही है फिल्म फाइटर की इनिशियल शूटिंग सीक्वेंस की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म फाइटर से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भले ये फिल्म अभी अपनी थिएटरिकल रिलीज से दूर हो, लेकिन पब्लिक के बीच तो इस फिल्म का क्रेज दिखना अभी से शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे टाइम से बीटाउन की मेगा स्टार्स ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के फिल्मी कोलैबोरेशन की खबरें चल रही थी
और एट द एंड वो खबरें सही साबित हो गई। जब कुछ ही दिनों पहले फिल्म फाइटर को बॉलीवुड में ऑफिशियली अनाउंस किया गया, वैसे तो फिल्म से जुड़ी बहुत सी खास बातें हैं और उनमें से एक ये है कि ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली ए रेटेड एक्शन फिल्म होने जा रही है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जिसको लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं फिल्म फाइटर में होने वाले जबरदस्त स्टंट्स के बारे में। बता दें दोस्तों कि रिसेंटली ही फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही साथ ये साफ हो गया था कि फिल्म एक एरियल एक्शन होने जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये फिल्म एक्शन सीन्स स्पेशल एयरक्राफ्ट में शूट किए जाएंगे जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस पे चार चांद लगा देंगे। और तो और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आज तक की सबसे पहली एरियल एक्शन फिल्म होने वाली है। माना जा रहा है कि ये फिल्म में दिखाए गए खतरनाक स्टंट सीक्वेंस का कोई मुकाबला नहीं होगा। और वैसे भी जब फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण जैसे वर्ल्ड क्लास स्टार्स प्रेजेंट हों तो फिल्म के धमाकेदार होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। बात करें फिल्म के थीम की तो बता दें कि फाइटर एक पेट्रियोटिक ड्रामा पर बेस्ड है जिसमें हमारी कंट्री के लिए देशभक्ति का एक अलग ही एंगल देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के मुताबिक जहां आज के दौर में जब ज्यादातर फिल्में पुरानी फिल्मों का रीमेक या सीक्वल होती है, वहीं फाइटर एक कम्प्लीटली न्यू स्टोरी पर बेस्ड फिल्म होने वाली है और ये बात इस फिल्म के बर्स को सातवें आसमान पर ले जाती है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि फिल्म फाइटर के इनिशियल शूटिंग सीक्वेंस की शुरुआत हो चुकी है। रिसेंटली ही फिल्म के कास्ट एंड क्रू की पूरी टीम एयरपोर्ट पर एक साथ चेक इन करते नजर आए थे और खबरों के मुताबिक ये फिल्म का पहला सीक्वेंस पेरिस में शूट किया जा रहा है। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। लाइक एंड कमेंट करके आप भी अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का काम है ना मौत का खौफ। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच हुई कैसी अनबन, जानिए क्या मामला है मियां बीवी की इस फाइट का। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को, और ऐसे ही सुपर इंटरेस्टिंग खबरों को रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली मूवी फाइटर के बारे में। दोस्तों भले ये मूवी अभी अपनी थिएट्रिकल रिलीज से दूर हो, लेकिन पब्लिक के बीच तो इस मूवी का क्रेज अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे टाइम से बीता में मेगा स्टार्स ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मूवी कोलैबोरेशन की खबरें चल रही थी और एट द एंड वो खबरें सही साबित ही हो गई। जब कुछ ही दिनों पहले मूवी फाइटर को बॉलीवुड में ऑफिशियली अनाउंस किया गया, वैसे तो मूवी से जुड़ी बहुत सी खास बातें हैं और उनमें से एक ये है कि ये मूवी इंडियन मूवी इंडस्ट्री की पहली एरियल एक्शन मूवी होने जा रही है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जिसको लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फाइटर की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बारे में। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि रणवीर सिंह हो गए उनसे नाराज। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रणवीर और दीपिका बी टाउन के सबसे फेमस कपल में से एक है। दोनों के लव रोमांस और केमिस्ट्री के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन अचानक हुआ कुछ ऐसा जिसकी वजह से रणवीर सिंह हो गए दीपिका पादुकोण से खफा। दरअसल रिसेंटली ही मीडिया में खबरें आती नजर आ रही हैं कि रणवीर सिंह दीपिका और रणबीर कपूर की बढ़ती नजदीकियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बता दें कि दीपिका आजकल रणवीर के साथ काफी टच में रहने लगी है।
और तो और रिसेंटली ही दोनों की एक कैंडिड पिक्चर भी वायरल हुई थी। इतना ही नहीं, रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में भी दोनों एक साथ देखे गए थे। वैसे तो रणवीर सिंह ने कई बार दीपिका और रणबीर के पुराने रिलेशंस के बारे में खुलकर बोला है कि पास्ट तो सबका होता है, उस पास्ट से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अंदर की खबरों की माने तो पानी अब सर के ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। भले ही दीपिका और रणबीर की नजदीकियां महज उनकी फ्रेंडशिप का एक हिस्सा हो, लेकिन रणवीर सिंह को दीपिका का ये नया अंदाज बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि वो दीपिका से नाराज हो गए हैं। बता दें कि दीपिका इन दिनों अपनी मूवी फाइटर की शूटिंग में काफी बिजी चल रही है और रणवीर भी अपनी मच अवेटेड मूवी 83 की शूटिंग में बिजी है, जो कि इंडियन क्रिकेट के लेजेंड रह चुके कपिल देव की बायोपिक होने वाली है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए बॉलीवुड वर्ल्ड से जुड़ी सभी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते ही रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काम पहुंचा। किस बात के लिए मारूं? बोल। सफर उम्र से खतरनाक है। क्या डांस के बाद अब एक्शन से होने लगा है ऋतिक रोशन को प्यार? क्या बॉलीवुड स्क्रीन पर आने जा रही है एकदम फ्रेश जोड़ी? बैंग बैंग और वॉर के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की कौन सी होगी नई एक्शन फिल्म? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म फाइटर की। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण उन्हीं के बैनर मर्फ्लिक्स के तहत हो रहा है। इस फिल्म को जो बात सबसे एक्साइटिंग बनाती है वो है ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी, क्योंकि इस जोड़ी को हम बड़े पर्दे पर पहली बार साथ में देखेंगे। हालांकि फाइटर एक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड रोमांस के बिना तो अधूरा है ना, तो शायद हमें इसमें भी एक लव एंगल देखने को मिल जाए। इसीलिए हम सब ऋतिक और दीपिका का ऑन स्क्रीन रोमांस देखने के लिए भी बेकरार हो रहे हैं। दोस्तों, फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद वॉर जैसी फिल्म बनाने के बाद अब फाइटर लेकर आ रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि सिद्धार्थ को एक्शन से कुछ ज्यादा ही प्यार है या फिर इसमें वो अपने आप को कम्फर्टेबल फील करते हैं? खैर, ये तो सिद्धार्थ ही बता सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि सिद्धार्थ को ऋतिक रोशन के साथ काम करना जरूर ही कम्फर्टेबल लगता है। भाई, ये इन दोनों के साथ में तीसरी फिल्म जो होगी। इससे पहले सिद्धार्थ और ऋतिक ने बैंग बैंग और वॉर में एक साथ काम किया है। अब इस नए प्रोजेक्ट में ये क्या कमाल दिखाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस फिल्म के रिलीज होने की संभावना अगले साल सितंबर में बताई जा रही थी, लेकिन फैंस इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही पागल हो चुके हैं। फिलहाल आप फाइटर फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ ही दोस्तों, ये भी बताएं कि आप ऐसी कौन सी जोड़ी को बॉलीवुड स्क्रीन पर देखना चाहते हैं जो अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं बनी है। जल्दी बताइएगा, क्या पता किसी। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। क्या है दीपिका पादुकोण का ऑनेस्ट कन्फेशन? फिल्म के पहले ही शूटिंग सीक्वेंस में कैसे हुआ डिले? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को, और ऐसे ही सुपर इंटरेस्टिंग खबरों को रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म फाइटर के बारे में।
भले ये फिल्म अभी तक अपनी थियोरेटिकल रिलीज से दूर हो, लेकिन दोस्तों पब्लिक के बीच तो इस फिल्म का क्रेज अभी से दिखना शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, काफी लंबे टाइम से बी टाउन में मेगा स्टार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्मी कोलैबोरेशन की खबरें चल रही थी, और दोस्तों एट दी एंड वो खबरें सही साबित भी हो गयी, जब कुछ ही दिनों पहले फिल्म फाइटर को बॉलीवुड में ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। वैसे तो फिल्म से जुड़ी बहुत सी खासी खबरें हैं, और दोस्तों उनमें से एक ये है कि ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली एरियल एक्शन फिल्म होने जा रही है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जिसको लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर दीपिका पादुकोण के सामने कैसे बड़ा चैलेंज आया है ये। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर एक आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म के लिए शूट किए जाने वाले एक्शन सीक्वेंसेस भी बेहद खतरनाक होने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये खबर ऑलरेडी बाहर आ चुकी है कि फिल्म में ऋतिक के साथ साथ दीपिका को भी ये एक्शन सीन्स करने होंगे, और ऐसे में दीपिका जिन्होंने लंबे समय से कोई एक्शन फिल्म नहीं की है उन्हें बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इस बात से दोस्तों दीपिका भी पूरी तरह वाकिफ हैं, और यही रीजन है कि उन्होंने रिसेंटली ही अपने एक मीडिया सेशन में ये बताया था कि इस अपकमिंग रोल को करने के लिए वो कितनी नर्वस हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने काफी लंबे टाइम से कोई एक्शन सीन कमिट नहीं किया है, और ये था दीपिका का ऑनेस्ट कन्फेशन। लेकिन दोस्तों हमें तो पूरा भरोसा है कि कुछ ही टाइम में दीपिका अपने इस बड़े चैलेंज को पार कर लेंगी। क्या आपको भी यही लगता है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म फाइटर के सेट पर चल रहे इनिशियल शूटिंग सीक्वेंसेस में आए डिले के बारे में। दोस्तों इंटरनल सोर्सेस के मुताबिक कुछ ही दिनों पहले फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म के कुछ प्रिलिमिनरी शूट्स शूट करने के बारे में सोचा, और दोस्तों शूटिंग की शुरुआत होने ही वाली थी कि फिल्म के रनिंग सीक्वेंस के दौरान एक एक्टर को चोट का सामना करना पड़ा। अब ये एक्टर ऋतिक थे या दीपिका या कोई और, इस बात की कन्फर्मेशन नहीं आ पाई है, लेकिन दोस्तों इस इंसिडेंट की वजह से फिल्म की शूटिंग में थोड़ा डिले जरूर आ गया है। वहीं क्या दीपिका अपने इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगी, देखना दिलचस्प होने वाला है। साथ ही दोस्तों आप हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। किस बात के लिए मारूं? बोल। सफर उम्र से फटा हो गया। क्या डांस के बाद अब एक्शन से होने लगा है ऋतिक रोशन को प्यार? क्या बॉलीवुड स्क्रीन पर आने जा रही है एकदम फ्रेश जोड़ी? बैंग बैंग और वॉर के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की कौन सी होगी नई एक्शन फिल्म? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी, और कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म फाइटर की। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण उन्हीं के बैनर मर्फ्लिक्स के तहत हो रहा है। इस फिल्म को जो बात सबसे एक्साइटिंग बनाती है वो है ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी, क्योंकि इस जोड़ी को हम बड़े पर्दे पर पहली बार साथ में देखेंगे। हालांकि फाइटर एक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड रोमांस के बिना तो अधूरा है ना, तो शायद हमें इसमें भी एक लव एंगल देखने को मिल जाए। इसीलिए हम सब ऋतिक और दीपिका का ऑन स्क्रीन रोमांस देखने के लिए भी बेकरार हो रहे हैं। दोस्तों फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद वॉर जैसी फिल्म बनाने के बाद अब फाइटर लेकर आ रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि सिद्धार्थ को एक्शन से कुछ ज्यादा ही प्यार है, या फिर इसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं? खैर ये तो सिद्धार्थ ही बता सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि सिद्धार्थ को ऋतिक रोशन के साथ काम करना जरूर ही कंफर्टेबल लगता है। भाई ये इन दोनों के साथ में तीसरी फिल्म जो होगी, इससे पहले सिद्धार्थ और ऋतिक ने बैंग बैंग और वॉर में एक साथ काम किया है। अब इस नए प्रोजेक्ट में ये क्या कमाल दिखाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस फिल्म के रिलीज होने की संभावना अगले साल सितंबर में बताई जा रही थी, लेकिन फैंस इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही पागल हो चुके हैं। फिलहाल आप फाइटर फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ ही दोस्तों ये भी बताएं कि आप ऐसी कौन सी जोड़ी को बॉलीवुड स्क्रीन पर देखना चाहते हैं जो अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं बनी है। जल्दी बताइएगा।